खड़े हो जाओ, आप तीनों भी खड़े हो जाओ, तीनों पीछे वाले भी खड़े हो जाओ जो बोल रहे थे, खड़े हो जाओ। आप भी खड़े हो जाओ। अच्छा जी, लेक्चर 27 स्टार्ट करते हैं, कैफ वन, FAR 1 का। कल वाले लेक्चर में हमने जनरल लोन का ट्रीटमेंट सीखा, ओके? पहले बेसिक प्रैक्टिस क्वेश्चन 6 किया, फिर 7 में इसका ट्रीटमेंट देखा, और फिर एक एग्जाम लेवल का सवाल हमने किया था, पावर लिमिटेड। ठीक है, समझ में आ गया था। होमवर्क के अंदर दो प्रैक्टिस क्वेश्चन से इनके सॉल्यूशंस मैंने शेयर कर दिए हैं, ओके? ठीक है, तीसरे का सॉल्यूशन मैंने शेयर नहीं किया। अच्छा, वो जो दो किए थे प्रैक्टिस क्वेश्चंस, कौन कौन से हैं? 4 और 12, ये सही थे आपने जो किए हुए थे? कितने बच्चों ने अटेम्प्ट किया था इनको? अच्छा, और सही था आंसर, कॉन्फिडेंट हुए थोड़ा? ये क्वेश्चन किसी बच्चे ने ट्राई किया, उस स्पिन इंडस्ट्रीज ट्राई किया, 5, 7, 8 बच्चों ने, कुछ समझ में आया? थोड़ा बहुत समझ में आया, बड़ी बात है। ठीक है जी, सवाल के अंदर सब कुछ ही था, नई चीज़ ये थी, भाई बैठ जाओ यार, नई चीज़ ये थी कि लोन जो स्पेसिफिक है उसकी किस्तें भी हैं, रीपे भी हो रहा है और स्पिन इंटरेस्ट भी पे हो रहा है। ठीक है भाई, बैठ जाओ यार, इंसान बना करो। तुम, मैंने खड़ा किया था इधर, मैंने नहीं कहा बैठो, तुम खड़े रहो। ओके, ये मैनेज कर लें भाई, आसपास वाले देखना, आप ये भाई खड़े रहेंगे। चलें जी, अब ये सवाल शुरू करते हैं, आज का ये सवाल फिलहाल करते हैं, उसके बाद जो टाइम बचा उसमें देखेंगे टेस्ट डिस्कस करना है या कुछ और करना है। ठीक है, कौन से सवाल में? क्या हुआ? सॉकर लिमिटेड ने कंस्ट्रक्शन शुरू की और स्टिल अंडर कंस्ट्रक्शन है, तो फिर ये एसेट कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस है, तो इस एसेट की जो बोरिंग कॉस्ट थी, क्योंकि वो तो निकल आएगी, ठीक है, लेकिन जो डेप्रिसिएशन निकालने की बारी आएगी तो हम कहेंगे जी कैसे निकालें, डेप्रिसिएशन कैसे निकाल सकते हैं जब एसेट ही कंप्लीट नहीं हुआ। ठीक है, अब आप कहोगे जी एसेट की ये कॉस्ट कैसे निकलेगी? भाई कॉस्ट तो CWI की भी होती है ना, ठीक है, बस इस सवाल के अंदर कॉस्ट ऑफ स्टेडियम नहीं होगी बल्कि कॉस्ट ऑफ स्टेडियम CWIP होगी, या सिर्फ CWIP लिख लो अगर परेशान हो तो। अब इसके अंदर कंस्ट्रक्शन कॉस्ट आएंगी, कंस्ट्रक्शन कॉस्ट आएंगी, यही आपने पेमेंट्स की है ना, और बोलो ये इसके अंदर ऐड हो जाएंगी, और कुछ नजर आया था? कोई परमिट फी, कोई मैप फी, कोई कंसल्टेंट फी, वो नहीं थी, ठीक है, और ये चीज़ें तो हैं कोई नहीं, चलो। और फिर बोरिंग कॉस्ट जो आपने निकाली कैपिटलाइज करने वाली, वो यहाँ पे ऐड कर देंगे। अब ये फिगर तो आ जाएगी हमारे पास कॉस्ट ऑफ स्टेडियम की, लेकिन जब डेप्रिसिएशन की बारी आएगी तो आप एक नोट डाल देंगे कि एज दिस एसेट इज स्टिल अंडर कंस्ट्रक्शन वी विल नॉट डेप्रिशिएट इट, और बस छोड़ देंगे। ठीक है, तो जरूरी नहीं है कि डेप्रिसिएशन लिखी हुई तो किसी भी तरह से निकालेंगे, हम कैसे निकालें, एसेट तो अभी रेडी टू यूज हुआ ही नहीं। ठीक है, लेकिन जब हम दूसरे में क्वेश्चन 4 में जाते हैं, तो क्वेश्चन 4 के अंदर ये एसेट कंप्लीट हो गया, हो गया कंप्लीट, बोलो। अगर कंप्लीट हो गया तो फिर 10 years लाइफ भी गिवन है, उसकी बेस पे हम इसको डेप्रिशिएट भी कर सकते थे। सोल्यूशन देख लिया आपने, ओके? सोल्यूशन में 12 के अंदर डेप्रिसिएशन निकली तो नहीं हुई थी? क्या लिखा हुआ था सोल्यूशन में? सोल्यूशन में क्या लिखा हुआ था? कुछ लिखा ही नहीं था, लेकिन आपने नोट दे देना है। ठीक है, अच्छा, भाई स्पेसिफिक लोन सारा यूज हो जाए, सारा यूज हो जाएगा तो ठीक है, नहीं यूज होगा तो ठीक है। हमारा मकसद
उस लोन पे जो इंटरेस्ट देना है उसको एसेट कॉस्ट में ऐड करना है इस वक्त, ठीक है। वो कब से कब तक करना है, वो लेटर ऑफ से शुरू करना है स्पेसिफिक लोन का, और जिस दिन एसेट कंप्लीट हो जाए उस दिन रोक देना है। उससे पहले वाला इंटरेस्ट भी एक्सपेंस है, उसके बाद वाला भी एक्सपेंस है। लोन जब तक वापस, जो लोन 5 साल के लिए लिया है, सवाल करते आए हैं, लोन लिया है 5 साल बाद देना है, एसेट 6 महीने में कंप्लीट हो गया तो 6 महीने का इंटरेस्ट ऐड कर दो, बाकी तो लोन वही पुराना इंटर वाला लोन है, पड़ा रहेगा उस पर इंटरेस्ट जाता रहेगा, वो एक्सपेंस है, ठीक है। जो जनवरी, मैंने ये बात कही थी वैसे क्लास में कल, कि अगर जनवरी का महीना पैसे पड़े हैं तो इन्वेस्ट करोगे, वेले पड़े हैं ना, लेकिन वो जो इनकम आएगी बोरिंग कॉस्ट टू बी कैपिटलाइज वाली वर्किंग में माइनस नहीं कर सकते, वो आपकी अदर इनकम बन जाएगी। यानी कि स्पेसिफिक लोन की ब्रैकेट जो है लेटर ऑफ से लेके और वर्क कंप्लीटेड तक, इस ब्रैकेट के दरमियान वाला इंटरेस्ट एक्सपेंस एसेट कॉस्ट में ऐड होना है, और इस ब्रैकेट के दरमियान वाली ही इनकम नेट करनी है हमने उस एक्सपेंस में से। इससे पहले कोई एक्सपेंस हो तो प्रॉफिट एंड लॉस में, फाइनेंस कॉस्ट में, और इससे पहले कोई इनकम इन्वेस्टमेंट की आई है कोई प्रॉफिट एंड लॉस में, अदर इनकम में। इस ब्रैकेट के बाद पैसे बच गए हैं आपके, ठीक है ना, इस ब्रैकेट के बाद अगर कोई लोन इंटरेस्ट दिया है तो वो भी एक्सपेंस में, और इसके बाद वाली इनकम भी, तो ये एमसीक्यू उसके पॉइंट ऑफ व्यू से बाद वाली इनकम भी अदर इनकम में जाएगी, ठीक है ना। ये एमसीक्यू उसके पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ा अहम पॉइंट है ये, ठीक है ना, देखेंगे एमसीक्यू इंशाल्लाह। ओके, ये क्वेश्चन है जी हमारे सामने, रिक्वायरमेंट है कैलकुलेट अमाउंट ऑफ बोरिंग कॉस्ट टू बी कैपिटलाइज ऑन 30 जून 2009 इन अकॉर्डेंस विद IFRS, बोरिंग कॉस्ट कैलकुलेशन शुड बी बेस्ड ऑन नंबर ऑफ मंथ्स। अच्छा चले, फिलहाल तो इसकी रिक्वायरमेंट, सवाल की रिक्वायरमेंट मान लेते हैं 18 नंबर का, ये सवाल 2009 में आया था, इतने ज्यादा नंबर का सवाल अब नहीं आता, 5-6 नंबर का आता है, ठीक है, तो 8 का आ जाए, 7 का आ जाए, ठीक है, या सवालों के अंदर इस्तेमाल हो जाता है, बैठ जाओ यार आप भी। अच्छा लेकिन फिलहाल हम इसकी रिक्वायरमेंट को एड्रेस करते हैं, हम क्या करेंगे, बोरिंग कॉस्ट टू बी कैपिटलाइज निकाल लेते हैं, फिर आगे देखते हैं कोई एडिशन करना हुआ तो कॉस्ट ऑफ एसेट निकालनी हो तो वो भी निकाल लेंगे, उसके बाद फिर दिल किया डेप्रिशन का करनी है तो एक लाइन ऐड कर देंगे यूजफुल लाइफ की, डेप्रिशिएट भी करके देख लेंगे, ठीक है ना। तो जो चीज़ें ऐड करनी हुई एड ऑन्स बाद में करते हैं, फिलहाल सवाल की रिक्वायरमेंट को एड्रेस कर लेते हैं, ठीक है। तो सवाल की रिक्वायरमेंट क्या है, बोरिंग कॉस्ट टू बी कैपिटलाइज निकाल दो। तो ये काम कर लिया करें, क्या फॉर्मेट पहले बना दिया करें, उससे ये होता है सारा सवाल आपको आए ना आए, जो चीज़ें आपको मिल जाएं उसके नंबर तो मिलें, ठीक है ना। आपको लोन प्रोसेसिंग चार्ज सवाल में नजर आ गए, उसके नंबर तो मिल गए, तो यहाँ पे फौरन लिख दोगे, ठीक है ना। तो फॉर्मेट बना होगा तो जैसे डाटा आता जाएगा वैसे लिखते जाओगे, आपको किसी एंड का वेट नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। तो बोरिंग कॉस्ट कैपिटलाइज करनी कितनी है, ये कैलकुलेशन हमने इस वर्किंग में सीखी थी, उस वर्किंग में 3 ही चीज़ें थी बस, पहली लोन प्रोसेसिंग चार्जेस, ठीक है, लेकिन मैंने कहा था यहाँ पर कोई और कमिटमेंट कॉस्ट है तो वो भी यहीं पे आ जाएगी, कोई बैंक चार्जेस हैं इस लोन से रिलेटेड, स्पेसिफिक लोन से रिलेटेड, या कोई बैंक कमीशन दिया है इस स्पेसिफिक लोन से रिलेटेड, तो सारे उस पॉइंट वन के अंदर आ जाते हैं, कोई एक ही आया करता है, अभी तक वो भी नजर नहीं आया आपको, अभी तक वो भी नजर नहीं आया, लेकिन हम फॉर्मेट में रख के चल रहे हैं। फिर दूसरा पॉइंट होता था इंटरेस्ट एक्सपेंस ऑन स्पेसिफिक लोन लेस इन्वेस्टमेंट इनकम उसी की, तो तीसरा पॉइंट क्या है, इंटरेस्ट एक्सपेंस ऑन जनरल, तो बस यही है, ये खत्म है कहानी, ठीक है। तो आप फॉर्मेट ये बनाकर फिर सवाल शुरू किया करो, ठीक है। तो रिक्वायरमेंट, अगर रिक्वायरमेंट एसेट की कॉस्ट निकालना होती तो ये वर्किंग वन बन जानी थी, ठीक है, लेकिन फिलहाल तो रिक्वायरमेंट ही क्या है, बोरिंग कॉस्ट टू बी कैपिटलाइज निकाल दो, बोरोइंग कॉस्ट टू बी कैपिटलाइज, ये कैलकुलेट करनी है हमने, पास पेपर 9 कर रहे हैं हम, ठीक है जी। स्पिन इंडस्ट्रीज, क्या हुआ, एसी ऊपर है और कोई, और कोई कमी में खिदमत मेरे लायक और, अच्छा जी, अच्छा जी सुने, नंबर 1 लोन प्रोसेसिंग चार्जेस, ये चार्जेस में ना फिर लोन प्रोसेस करने के चार्जेस बैंक कमीशन कोई ले ले, बैंक कोई चार्जेस ले ले, बैंक कोई कमिटमेंट फी ले ले, या लोन प्रोसेसिंग चार्जेस के नाम से ही कोई चीज़ ले ले, वो सब इसी के अंदर ही आ जाते हैं ना, ठीक है। तो लोन प्रोसेसिंग चार्जेस, सेकंड था इंटरेस्ट एक्सपेंस, एक्सपेंस ऑन स्पेसिफिक लोन। अब चूंकि सवाल तो आप एक बार पढ़ के ही शुरू करेंगे, जाहिर सी बात है रिक्वायरमेंट पढ़ी, 2 दफा सवाल पढ़ा फिर ही फॉर्मेट बनाना है ना, तो जब सवाल पढ़ा होगा आपने, आज पढ़ा ही होगा, तो उसमें नजर आ रहा होगा कि किस्तें हैं, ठीक है ना।
सवाल के अंदर उसने बताया गालिबन के 5-5 मिलियन की किस्तें जानी है, और भाई अगर एक भी किस्त पे हो जाए साल के दौरान तो इंटरेस्ट निकालना एक स्टेप में नहीं हो सकेगा। वापस जाएं अब अपने पहले लेक्चर टीपू वाले सवाल में। टीपू वाले सवाल में अगर 220 रुपए का लोन लिया, 200 का लोन लिया और 20-20 की किस्तें हैं, तो 6 महीने तक 200 आउटस्टैंडिंग रहा, तो 6 महीने का इंटरेस्ट निकाला, फिर 20 निकल गई थी किस्त और 180 पे अगले 6 महीने। तो जितनी किस्तें यहां पे आ गई सवाल हमारे में, उतनी दफा यहां पे उतने स्टेप्स के अंदर ये इंटरेस्ट निकलेगा। तो अब वो सहूलत भी खत्म हो गई कि ये एक लाइन में निकला करता था, लेकिन स्टिल ये आसान काम है, पहली क्लास में किया था हमने, ठीक है ना। तो इसलिए जितनी किस्तें हो साल पे हो रही, उतनी लाइनें यहां पे छोड़ देना, क्योंकि एक स्टेप के अंदर तो निकलेगा नहीं। ये बात समझ आई? ओके। उसके बाद लेस कर दो इन्वेस्टमेंट इनकम, ये लेस लिखने की कोशिश कर रहा हूं, लेस इन्वेस्टमेंट। अब इन्वेस्टमेंट इनकम मैंने ऑन स्पेसिफिक लोन नहीं लिखा, होती ही सिर्फ इसकी है, जनरल लोन में इसका कॉन्सेप्ट ही कोई नहीं है, ठीक है ना। और ये भी 3-4 स्टेप्स के अंदर हमें कैलकुलेट करना पड़ सकती है, वो तो अब जितने पैसे पड़े हों और जितनी बार वो रिसीट पेमेंट से निकले सरप्लस हैं उतनी दफा ये नजर आ जाता है, ठीक है ना। तो 4-5 लाइनें इसके लिए हम छोड़ दिया करेंगे। अब एग्जाम लेवल के ना सवाल की तैयारी कर रहे हैं हम, एग्जाम लेवल का एग्जाम का ही सवाल है, ठीक है, कि किस तरह से उसको प्लान करना है। तो सवाल 2 दफा पढ़ा होता है, अंदाजा हो जाता है, यहाँ पे 2-3 लाइनें छोड़ दी, और स्पेसिफिक लोन के इन्वेस्टमेंट इनकम 4-5 स्टेप से ज्यादा जा ही नहीं सकती, तो 4-5 लाइनें इसके लिए छोड़ दो बस। और फिर इंटरेस्ट एक्सपेंस ऑन, तो ये भी एक्सपेंस, ये भी एक्सपेंस, ये स्पेसिफिक का कि जनरल का, लेकिन स्पेसिफिक लोन वाला इंटरेस्ट एक्सपेंस में से इन्वेस्टमेंट इनकम को हम नेट कर लिया करते हैं, ठीक है ना। तो इंटरेस्ट एक्सपेंस ऑन ब्रिगेडियर लोन, अच्छा सॉरी जनरल लोन, ठीक है जी, फॉर्मेट बन गया हमारा। सवाल में रुपीज के अंदर ना खैर से सिफरों की भरमार है, थाउजेंड्स करें या मिलियंस, थाउजेंड्स कर लेते हैं, ठीक है। तो हम रुपीज इन थाउजेंड्स में ये क्वेश्चन करेंगे, ठीक है जी। नीचे मिलियन है तो उसको भी थाउजेंड में कर लेंगे बेटा, अब बोल दिया थाउजेंड तो अब थाउजेंड ही है। जैसे इंट्रो आप लोगों ने तो माशाल्लाह पढ़ी हुई है, ट्रायल अगर थाउजेंड्स में है और नीचे मिलियंस में फिगर लिख रहा है तो हम थाउजेंड्स में ही कर लेते थे, क्योंकि ज्यादा फिगर्स थाउजेंड में आ रही हैं, तो नीचे मिलियन लिखा हो उसको भी थाउजेंड कर लेंगे, ठीक है ना। वैसे भी मिलियन के अंदर जरा, क्योंकि फिगर्स छोटी हो जानी है, मिलियन में देखो ना ये 9 मिलियन 12 मिलियन हो सकता है, लेकिन फिर पॉइंट्स के अंदर लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो 3 सिफरें कम कर लो, काफी है, मुनासिब है, चाहो तो मिलियन में भी कर सकते हो। ओके, अच्छा जी, अब ये फॉर्मेट तो हमारे सामने आ गया, ठीक है। अब मैं मार्कर्स अपने सामने ले आऊं, साल शुरू करें जी। पढ़ना रिक्वायरमेंट पहले पढ़ी, पता लग गया करना क्या है, ठीक है जी। अब सवाल को पढ़ते हैं। ऑन 1st September एक और काम भी किया करते थे इस कोने पे, वो लिखना ले, हाँ क्या होता है जी, कमेंसमेंट ऑफ कैपिटलाइजेशन ऑफ बोरोइंग कॉस्ट, हाँ ये लाजमी लिख लिया करें, अभी लिखते रहें, अभी तो मैंने मना ही नहीं किया लिखने से, और लिखते रहें आप, बल्कि आप एंड तक लिखते रहें, लेटर ऑफ लोन रिसीव वर्क स्टार्टेड और फर्स्ट कंस्ट्रक्शन पेमेंट, लिखता मैं फर्स्ट पेमेंट हूं, सिर्फ बोल देता हूं, बोलने से याद रखें, आप पूरा लिख लिया करें फर्स्ट कंस्ट्रक्शन पेमेंट। उसके बाद सीजेशन किस दिन रोकेंगे, सीजेशन ऑफ कैपिटलाइजेशन ऑफ बोरोइंग कॉस्ट, इसमें उसूल तो यही है वर्क कंप्लीटेड का, लेकिन कल हमने देख लिया पावर वाले सवाल में, अगर ईयर एंड पहले आ जाए तो फिर माज हो जाती है बुरी और हमें रोकना पड़ता है सब कुछ, ठीक है जी। तो फिलहाल तो हम लिख लेते हैं वर्क कंप्लीटेड, ठीक है ना, लेकिन अगर खुदा ना खास्ता सवाल में ईयर एंड पहले हो गया तो फिर वर्क कंप्लीटेड के आगे जो डेट लिखेंगे उसको इग्नोर कर देंगे, इससे थोड़ा सा ऊपर मैंने जगह रखी हुई है ईयर एंड लिख देंगे और वो डेट लिख के वहां तक निशान लगा देंगे। पता नहीं अब इसमें सवाल मैंने याद नहीं मुझे, ठीक है, पिछली बार वाली बात
कंप्लीट हुआ था या नहीं हुआ था, प्रोजेक्ट हो गया था कंप्लीट नहीं हुआ, थोड़ी सी और जगह बना लो, ईयर एंड भी होना है ना, फिर वर्क कंप्लीटेड, ये तो हमारा है ओरिजिनल रूल। और अगर ईयर एंड पहले हो जाए तो फिर ईयर एंड पे रोकेंगे, वरना यही उसूल है, ठीक है। और ये किसके लिए है, कौन से लोन, जनरल लोन के लिए है ना, जनरल लोन के लिए, स्पेसिफिक लोन का रूल था, कमेंसमेंट करोगे लेटर ऑफ से और सिजेशन होगी कंप्लीशन पे। जनरल लोन के लिए रूल था स्टार्ट, रूल तो था ना, कमेंसमेंट होगी डेट ऑफ पेमेंट से, वो लेटर वाला रूल नहीं है, ठीक है। कमेंसमेंट जनरल लोन के अंदर क्या करते हैं जी, पेमेंट पकड़ते हैं और उस पर इंटरेस्ट का एवरेज रेट लगाते हैं, और किस दिन से शुरू करते हैं, पेमेंट की डेट से सिजेशन तक, और ये वर्क कंप्लीटेड तक, ठीक है। चलो मैंने इसलिए लिख दिया ताकि साथ साथ ना जो डाटा आता जाए वो भी लिखते चले जाए, सवाल भी पढ़ा जाएगा, सवाल सारा तकरीबन सामने है, ठीक है। फिलहाल पढ़ते हुए सवाल को चलो नहीं करते नीचे, ये भी छुप जाएगा एक तो, दूसरा मैंने लिखना भी है इसके ऊपर, तो गुजारा करें इस पूरे सवाल पे। आमिर भाई चमक कैमरा वालों की पढ़ रही है, कैमरा वालों को, ऑनलाइन वालों को नहीं पढ़ रही ना, ऊपर उसकी खैर है, बाकी आप मैनेज कर लेंगे इंशाल्लाह, ठीक है। आपके पास तो मैंने हैंडआउट भेजे भी होते हैं, आप मोबाइल में भी खोल सकते हैं। अच्छा, जिनके पास मोबाइल में व्हाट्सएप ना हो, अच्छे शरीफ बच्चे जो होते हैं, ठीक है, बिल्कुल व्हाट्सएप बगैर जिंदगी गुजार रहे होते हैं ऐसे बच्चे, तो वो फिर क्लास में ऐसी जगह तलाश कर लें पक्की पक्की जहाँ पर रोशनी ना पड़ती हो, ठीक है ना। बाकी तो बच्चों के पास मोबाइल में होते ही हैं, वो नोट्स वहाँ पे भी ओपन कर लेते हैं अगर कुछ नज़र ना आए, इसलिए मुझे ये बार बार अड़ंगियाँ नहीं देनी, ठीक है, नज़र नहीं आ रहा, ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा, एडजस्टमेंट खुद करनी है आपने, ठीक है। मेरा मसला उनके साथ है क्योंकि आप हिलजुल के देख सकते हैं, वो बेचारे हिलने जुलने भी ना, तो कैमरा तो नहीं हिलजुल रहा, वो यूं करके देखें तब भी स्क्रीन में वही नज़र आना है, इसलिए आप लोग कर लिया करें मैनेज, ठीक है बेटा। अच्छा जी, वो से मुराद मेरी वो ऑनलाइन वाले बच्चे हैं, अच्छा और क्या, वो ऑन 1 सितंबर 2008 ईयर एंड क्या था, ये तो मुझे भूल ही गया, ईयर एंड 30 जून है और 30 जून 2009 है, ठीक है, हाँ नो 1 जुलाई 2008 से ये साल शुरू होगा, ऐसे ही लिख लेते हैं कहीं जरूरत पड़ जाती है, और 30 जून 2009 पे ये खत्म होगा, ठीक है ना, ये हमारा साल है, ओके। अच्छा, ऑन 1 सितंबर 2008 स्पिन इंडस्ट्रीज स्टार्टेड बॉलिंग स्पिन, अच्छा स्टार्टेड कंस्ट्रक्शन ऑफ इट्स न्यू ऑफिस बिल्डिंग, वर्क स्टार्टेड 1 सितंबर 2008, हमारे साल में ही है, हाँ 1 जुलाई 2008 के बाद है तो हमारे साल में ये काम शुरू हो गया, ठीक है जी। आगे कहाँ गया, एंड कंप्लीटेड ऑन 31 मई 2009, वो कंप्लीट भी हमारे साल में हो रहा है भाई, पता नहीं किसी ने कहा था नहीं हो रहा, तो 31 मई 2000, अच्छा है ना, इस सवाल में डेप्रिसिएशन भी सीख लेंगे, फिर एसेट कंप्लीट हो गया ना, लाइफ अगर ना हुई तो मैं एक लाइन लाइफ की ऐसी दे दूंगा, डेप्रिसिएशन भी कर लेंगे, ठीक है, ओके। द पेमेंट्स मेड टू कॉन्ट्रैक्टर वर एज फॉलोज, और फर्स्ट पेमेंट भी हुई 1 सितंबर 2008 पे, डेट्स भी लिखते जा रहे हैं साथ साथ, ठीक है। लेकिन पहले दो दफा सिर्फ सवाल पढ़ना है आपने, ये काम तो तीसरी बार करते हुए सवाल पढ़ रहे हैं हम, दो दफा तो सिर्फ आपने सादा सवाल पढ़ना है, ठीक है, सादा सवाल, ओके। फिर पेमेंट दूसरी हुई, फिर तीसरी हुई, फिर चौथी हुई, ठीक हो गया जी। इन एडिशन टू अबव पेमेंट्स, ओ बोलो, ओ SIL पेड अ फी ऑफ 8 मिलियन ऑन 1 सितंबर 2008 फॉर ऑब्टेनिंग अ परमिट फी, लोन प्रोसेसिंग चार्जेस नहीं है, ये पहले दिन से इसी की तो मेहनत कर रहा था। अब जिस बच्चे ने, सुनो सुनो सुनो, जिस बच्चे ने ये परमिट फी, आमिर भाई, जिस बच्चे ने ये परमिट फी उस वर्किंग में दिखा दी लोन प्रोसेसिंग चार्जेस में, तो उसके नंबर कटेंगे, बिकॉज परमिट फी इज नॉट अ बोरोइंग कॉस्ट, वापस आए, लेकिन ये कॉस्ट ऑफ एसिड है, पर वो IS 16 वाली, तो कॉस्ट ऑफ एसिड जो रिक्वायर्ड नहीं है, मैं रिक्वायरमेंट डाल देता हूं, ठीक है। अगर कॉस्ट ऑफ एसिड निकालनी पड़े, इस सवाल में तो इग्नोर करना था ना, लेकिन हम कॉस्ट ऑफ एसिड की रिक्वायरमेंट डाल लेंगे, तो कॉस्ट ऑफ एसिड अगर कैलकुलेट करनी पड़े तो फिर ये एड होगी उसमें, ठीक है। तो ओ बस 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 बस, ओके नेक्स्ट,
द प्रोजेक्ट वॉज फाइनेंस थ्रू फॉलोइंग सोर्सेज, यानी कि अब ये जो प्रोजेक्ट था इसके पैसे, ये जो बिल्डिंग बनानी शुरू की इसके पैसे हमने कहाँ कहाँ से अरेंज किए। पॉइंट वन में कहते हैं जी, ऑन 1 अगस्त 2008 अ मीडियम टर्म लोन ऑफ 25 मिलियन वॉज ऑब्टेन्ड स्पेसिफिकली फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग। तो ये स्पेसिफिक लोन के लिए चल रहा है, ये किस लिए होता है जी, फॉर स्पेसिफिक लोन, रूल फॉर स्पेसिफिक लोन, ठीक है ना। तो ये स्पेसिफिक लोन का रूल है, तो स्पेसिफिक लोन 1 अगस्त को आ गया। भाई 1 अगस्त को आता रहे हमें इससे क्या, हम तो लेटर से शुरू करेंगे, ठीक है ना, कमेंसमेंट भी और रिसीट पेमेंट भी, ठीक है। अच्छा ठीक है जी, लेकिन एक मसला थोड़ा सा लग रहा है मुझे, एक छोटा सा मसला लग रहा है मुझे आपका, नहीं कोई मसला नहीं, सॉरी इसमें नहीं है। लेकिन अच्छा अच्छा मसला कब होता, चलो ये बात कर लेते हैं, टेस्ट में सवाल आ जाए, परेशान ना हो ना आप। देखो बात कर रहा हूँ, फिर टेस्ट में आ जाए तो ये ना कहना कि मैंने बताया नहीं था, ठीक है ना। मिसाल के तौर पे ये 1 अगस्त पे वर्क स्टार्ट होता और पहली पेमेंट होती, ठीक है, और लोन आया होता 1 सितंबर पे, तो सितंबर से कमेंसमेंट हो रही है ना, लेकिन कंस्ट्रक्शन पेमेंट तो पहले हो रही है, हो सकती है नहीं हो सकती, अगर जनरल लोन पड़े हो तो उनमें से कर देंगे, ठीक है ना, ये ज़हन में रखना। कल के सवाल में क्या था, कल के सवाल में स्पेसिफिक लोन आया पहले फिर पेमेंट शुरू हुई, वो खत्म हुआ तो जनरल लोन से पेमेंट शुरू की। मैं क्या कह रहा हूं, पॉइंट समझे, मैं क्या कह रहा हूं, अगर अभी स्पेसिफिक लोन रिसीव नहीं हुआ और बिल्डिंग पे काम शुरू, काम का लोन का इंतजार करते रहेंगे, कहेंगे यार कुछ पैसे यहां से इस्तेमाल करने हैं कुछ उधर से, तो चलो शुरू करो काम, अल्लाह खैर करेगा आ जाएगा दूसरे लोन भी। तो अगर अभी स्पेसिफिक लोन आया नहीं है और कंस्ट्रक्शन शुरू हो गई और पेमेंट्स भी शुरू हो गई, तो वो पेमेंट्स फिर कहां से करोगे, आपके रिसीट पेमेंट्स कैजुअल के अंदर डिस्क्रिप्शन के बाद स्पेसिफिक लोन कॉलम है फिर जनरल लोन का, तो स्पेसिफिक लोन के कॉलम में कुछ भी नहीं आएगा। फर्स्ट कंस्ट्रक्शन पेमेंट मिसाल के तौर पर आई तो पहली ही लाइन माइनस, आप कहोगे जी ऊपर कुछ पड़ा ही नहीं, हमने तो ऊपर पड़े हुए को देखा भी नहीं था, क्योंकि हमने डेट ऑफ पेमेंट से सिजेशन तक लेके आना होता है उसको, तो पहले भी ऐसे भी हो सकता है, ठीक है। एक और चीज भी हो सकती है लेकिन वो फिर कभी से, ठीक है, चलो ये समझ आ गई बात। यानी कि अगर प्रोजेक्ट में स्पेसिफिक लोन नहीं आया और काम पहले शुरू हो गया तो इसका, इसकी ममानियत नहीं है, हो सकता है, ठीक है। बस आपने क्या करना है, अपने रिसीट पेमेंट स्केड्यूल में पहली पेमेंट ही जनरल लोन वाले कॉलम में माइनस लिख देनी है, और वो तो कल हमने देख लिया था घर पे जाके, कितने बच्चों ने पावर वाला सवाल दोबारा किया था, पास होने वालों के हाथ देख लो भाई, ठीक है भाई, क्यों नहीं किया सवाल। देखो मैंने, मैं शुरू से एक बात कह रहा हूं, आपसे अर्ज कर रहा हूं, बार बार कहता हूं, आज सारे कान खोल के दिमाग खोल के सुन लो, सबसे अहम सवाल क्लास वर्क होता है, घर पे जाके थोड़ा टाइम ज्यादा लगा लिया करो, पहले क्लास वर्क को किया करो, वो जल्दी हो जाता है, सारा सवाल तो आपके दिमाग में बैठा हुआ है, तो वो सवाल अगर वैसे आप आधे घंटे में करना है ना, जिस दिन क्लास पढ़ के गए हैं वो आपका 10 से 15 मिनट में हो जाएगा। सबसे अहम सवाल क्लास वर्क वाला होता है और उसके कनेक्टिंग लिंक्स पड़े होते हैं होमवर्क के अंदर, ठीक है। तो पावर वाला सवाल करना चाहिए था आप लोगों को, अगर वो करते तो आपके जहन में रिसीट पेमेंट ऐसे छपा होता, ठीक है ना। तो रिसीट पेमेंट जो आपने कल बनाया था उसमें अगर स्पेसिफिक लोन आने से पहले कंस्ट्रक्शन शुरू हो जाए और पेमेंट शुरू हो जाए तो जनरल लोन का कॉलम मौजूद है, माइनस कर दोगे। और कल हमने ये देखा था कि अभी फिर दोबारा बनाना है, ठीक है, वो जनरल लोन की पेमेंट को हमने पकड़ा था जिस डेट से वो पेमेंट हुई थी उससे लेकर सिजेशन तक या ईयर एंड पहले हो जाए तो हमने कैपिटलाइजेशन करनी होती है और एवरेज रेट पे करनी होती है, ठीक है जी। जी बिल्कुल 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 ऐसा हो सकता है, आपने पहले जनरल लोन यूज करना शुरू किया, स्पेसिफिक लोन आ गया वो यूज करने लगे, वो खत्म हो गया तो फिर जनरल लोन यूज करने लग जाए, अभी तो इक्विटी भी आएगी कल इंशाल्लाह, ठीक है, ओनर से कहेंगे तुसी भी पैसे दो, असी मंगते थोड़े ही हैं, बैंक से मांगे जा रहे हैं हम, ठीक है, तुम भी दे दो, बिल्डिंग बन रही है तुम्हारे बिजनेस की, तो वो इक्विटी लाएंगे घर से, तो वो फिर प्रेफरेंस फिलहाल तुम्हारे सामने क्या है, सबसे पहला नंबर स्पेसिफिक लोन का, स्पेसिफिक लोन आज भी पहले नंबर पे और जनरल लोन फिर दूसरे नंबर पे, ठीक है ना। लेकिन अगर कभी ना पड़ा हो तो भाई प्रोजेक्ट नहीं रोक देते, ठीक है ना। अच्छा लेकिन जब इक्विटी कल आएगी ना इंशाल्लाह, ज़हन अभी बना लें, तो सबसे पहला नंबर इक्विटी का होगा, वो पैसे खत्म होंगे तो फिर पहले अपने पैसे लगाएंगे ना मालकों के, ठीक है, वो खत्म होंगे तो फिर स्पेसिफिक लोन, वो खत्म होंगे तो फिर, ठीक है ना। अच्छा चलें, बाहर बात कहां से कहां निकल गई, वापस है अपने सवाल पे, अच्छी भली बात शुरू हुई थी। ऑन 1 अगस्त 2018 अ मीडियम टर्म लोन ऑफ, मैंने कहा चलो जरा ऐसी बात भी तैयारी में आ जाए ना, ठीक है, वापस आए सवाल पे, सवाल पे वापस आए, टेस्ट अभी बहुत दूर है, टेस्ट तक तो तुम बोरिंग कॉस में पीएचडी कर चुके होगे,
अल्लाह ने चाहा तो ऑन जेकब अगस्त 8 अ मीडियम टर्म लोन ऑफ 25 वाज ऑब्टेन स्पेसिफिकली फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग द लोन कैरीज अ मार्कअप ऑफ 12% पर एनम पेबल सेमी एनुअली। इस पे बड़ी बहस की थी मैंने। इस पेबल का मतलब ये नहीं है कि हर साल के एंड पे बैंक वाले आएंगे इंटरेस्ट आप कहोगे पेबल लिखा हुआ है चलो जाओ देना नहीं है पेबल है। अगले साल के 6 महीने के एंड पे फिर बैंक आएगा यार वो 6 महीने का इंटरेस्ट आप कहोगे लिखा हुआ है पेबल तो पेबल है पे नहीं करना ऐसी बात नहीं है। मैंने आपको समझाया था कि जब हम एग्रीमेंट करते हैं ना स्टार्ट में तो ये बातें तय होती हैं तो तय ये हुआ कि 12% के हिसाब से बैंक को इंटरेस्ट देगा ये बंदा सेमी एनुअली पेएबल होगा मतलब हर 6 महीने का इंटरेस्ट जो है वो 6 महीने के एंड पे पेएबल हो जाएगा और वो फिर पे करेगा। तो इस पेएबल का मतलब ये होता है कि ये काम एग्रीमेंट में ये बात तय हुई थी और सवाल लेकर ऐसी कोई बात नहीं कि वो पैसे दिए बगैर भाग गया ठीक है मतलब ये सब ड्यूली फॉलो हो रहा है ठीक है ना। तो इंटरेस्ट इज पेएबल सेमी एनुअली। ओ अ कमिटमेंट फी। हाँ जी ये है वो आमिर भाई ये है वो लोन प्रोसेसिंग चार्जेस नंबर 1 वाले ठीक है भाई सही है ना। आ जाए वापस इस सवाल में तो वो मैप फी को या परमिट फी को इग्नोर करके सिर्फ इसको लेना था बोरिंग कॉस्ट में लेकिन हम चूंकि अब इंशाल्लाह एंड पे ऐड कर देंगे कॉस्ट ऑफ एसिड भी निकालो तो फिर हमें ये दोनों चीजें नजर आ जाएंगी अपनी अपनी जगह पे। तो भाई पहले से जगह अब आज अगर मैं उसको फिट करने लगता तो ऐसे ऊंट को रिक्शे में बिठाना और आपको समझाना बराबर हो जाना था आज लेकिन पहले दिन से ही बात करते आ रहे हैं ना तो आज चीजें आई चीजें पहुंच गई अपनी जगह पे ठीक है। कमिटमेंट फी है 0.5% ऑफ द अमाउंट ऑफ लोन यानी 25 मिलियन का 0.5% जो है वो कमिटमेंट फी बैंक ने चार्ज की। तो कमिटमेंट फी ये लोन प्रोसेस करने के चार्जेस हैं। फिर ऐसे ही कोई बैंक कमीशन ले ले बैंक चार्जेस ले ले या कोई ऐसा और रिलेटेड खर्चा जो स्पेसिफिक लोन के प्रोसेस करने में इस्तेमाल हो गया वो हमारी बोरिंग कॉस्ट है। बोरिंग कॉस्ट इज नॉट ओनली इंटरेस्ट बल्कि बैंक कमीशन बैंक चार्जेस वगैरह मैंने पहले दिन कह दिया था ये सब बोरिंग कॉस्ट के अंदर आते हैं ठीक है। अच्छा ठीक है जी आगे कहता है अच्छा ये भी है सरप्लस फंड्स वर इन्वेस्टेड इन सेविंग अकाउंट एट 8% ऑन 1 फरवरी 2009 SIL पेड 6 मंथली इंटरेस्ट प्लस 5 मिलियन टूवर्ड्स द 6 महीने का इंटरेस्ट और 5 मिलियन प्रिंसिपल पे किया किस दिन 1 फरवरी को। 1 फरवरी को क्यों पे कर रहे हैं 1 अगस्त को लोन लिया था अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर 31 जनवरी आ गया अब 6 महीने पूरे हो गए। मैंने आपको बताया था दोनों तरह के अरेंजमेंट्स हो सकते हैं या तो बैंक कहेगा कि किस्त पे करो जमा इंटरेस्ट 6 महीने का इंटरेस्ट और पहली किस्त या तो ये 6वें महीने के आखिरी दिन घर जाते हुए देते जाना बैंक में या अगले साल यानी 7वें महीने के पहले दिन आप देते चले जाना। तो दोनों में ही कोई मसला नहीं है लेकिन थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है अकाउंटिंग में चेंजेस आ जाती हैं। अगर 30 जून ईयर एंड है तो फिर ये जो फरवरी के ऊपर चलो बल्कि तो आसान हो गया जरा दूर दूर है ठीक है ना जी। तो फिर 1 फरवरी को एक किस्त पे की 5 मिलियन की और इंटरेस्ट भी 6 महीने का पे कर दिया। अब आगे ये 31 जनवरी तक था फरवरी मार्च अप्रैल मई जून ये 5 महीने में हमारा साल खत्म हो जाएगा और जुलाई वैसे हमारा प्रोजेक्ट भी खत्म हो जाएगा लेकिन मैं वैसे बात कर रहा हूँ 31 जुलाई पे जाके दूसरी किस्त भी बैंक को देनी होगी और इंटरेस्ट भी लेकिन वो 31 जुलाई की बजाय 1 अगस्त को पे करेंगे यहां से ये पता लग गया हमें ठीक है ना। बहरहाल सवाल के अंदर इतना आगे जाना ही नहीं जहां पे जाना था उसने वैसे ही बता दिया ठीक है जी। कोई बात समझ आ गई तो 6 महीने का इंटरेस्ट और 5 मिलियन की एक इंस्टॉलमेंट है प्रिंसिपल की ये पे की उसने ठीक है। जबानी तैयारी मैंने कराई हुई है कल मैंने कहा था कि जनरल लोन कब आया कब गया उसका इंटरेस्ट पे हुआ नहीं हुआ हमारी बला से जाएं भाड़ में लेकिन स्पेसिफिक लोन तो हमारा दोस्त है तो स्पेसिफिकली स्पेशल इस प्रैक्टिस इस प्रोजेक्ट के लिए आया तो उसका आना भी हम रिसीट पेमेंट में लेते हैं उसका पे होना भी रिसीट पेमेंट में लेंगे उसके इंटरेस्ट का पे होना भी लेकिन इंटरेस्ट का पे होना कह रहा हूँ भाई क्योंकि रिसीट पेमेंट है ओके। तो फिर आज काम बढ़ने जा रहा है थोड़ा सा अच्छा कोई बात नहीं कर लेंगे खैर है बस खत्म। आगे क्या है एग्जिस्टिंग रनिंग फाइनेंस फैसिलिटीज। दो अहम बातें कल करना भूल गया था एक्चुअली भूला नहीं था टाइम नहीं मिला था तो फिर वो बात आगे निकलती चली गई लेकिन कल जरूरत भी नहीं थी मौके पे बात हो जाए तो ज्यादा अच्छा होता है याद भी रहता है ठीक है। अब
लोन के साथ लिखा नहीं हुआ कि ये स्पेसिफिक है या जनरल है। अच्छा चलो चलो, खैर खैर, मैंने मान लिया आप ऐसे है, ठीक है, एक उसूल है वो ज़रा सुन लो, लिख भी लेना, फिर पहले सुन तो लो। अगर सवाल में खामोश हो के लोन कौन सा है तो वो हमेशा स्पेसिफिक अज्यूम करना है। क्या करना है? स्पेसिफिक, स्पेसिफिक, ओके। लेकिन यहाँ पे सवाल खामोश नहीं है, रनिंग फाइनेंस फैसिलिटी को हमेशा ही जनरल लोन कहना है, ये होता ही जनरल लोन है, ठीक है ना, और नजर भी आ रहा था एग्जिस्टिंग, ऑलरेडी पड़ा हुआ है। रनिंग फाइनेंस क्या है? जो कल एग्जांपल दी थी, ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी भी इसको कहते हैं, बैंक से तय किया हुआ, लिख लेना भाई बाद में, मैं लिखवाता हूं, पहले सुन तो लो जी। हमने बैंक से ये मुआयदा कर लिया कि बैंक बैंक आप एक अकाउंट हमें, एक लिमिट दे दो हमें, ठीक है, कि आप मिसाल के तौर पर 150 रुपए तक जो है ना वो हमें, 150 मिलियन जेन में रख लो, 150 रुपए तक आपने अकोमोडेट करना है। क्या अकोमोडेट करना है भैया? हमारा अकाउंट है, हमारे पैसे आने वाले भी इसी में आएंगे, लेकिन मिसाल के तौर पे हमारे पास अकाउंट के अंदर पड़े हुए हैं 20 रुपए, तो हमने किसी क्रेडिटर को चेक लिख के दे दिया 50 रुपए का, तो आप हमारे बिहाफ पे 50 पे कर देना, डिसऑनर ना करना हमारे चेक को, ठीक है। अब 20 पहले हमारे पड़े थे, 30 आपने दे दिए, तो 30 अब हमने आपको वापस करने हैं। जब तक हम नहीं देंगे तब तक इंटरेस्ट ये काटते रहना इस पे। फिर हमारे पैसे आएंगे तो वो पैसे आपके पास आ जाएंगे, तो अगर फेवरेबल बैलेंस हो तो हो सकता है कभी कभी वो इंटरेस्ट ले भी लें। तो ये रनिंग फाइनेंस फैसिलिटी होती है, ठीक है, एक लिमिट बैंक ने दी होती है कि 150 रुपए तक आप जो मर्जी करते रहे। वो जी एसेट खरीदना है, पैसे कोई नहीं है, कोई नहीं, रनिंग फाइनेंस फैसिलिटी है ना 150 की, 120 का एसेट आया कोई बात नहीं, 150 की लिमिट है, आपने चेक लिख के दे दिया उस अकाउंट का, वो आप वो प्लांट वाले बंदे को दिया, प्लांट वाले बंदे ने वो चेक प्रेजेंट किया, पैसे पे हो गए, बैंक ने 120 कंपनी के बिहाफ पे कर दिए। अब जब तक 120 वापस नहीं जाएंगे वो इंटरेस्ट चार्ज करेंगे। तो ये क्या है रनिंग फाइनेंस? क्या है ये? तो जनरल लोन है, पड़ी है लिमिट, 150 की लिमिट पड़ी है, किसी भी वक्त यूज कर सकते हैं और किसी भी काम में यूज कर सकते हैं। आपने एसेट खरीदना था, आपने इन्वेंटरी खरीदनी थी, बिजली का बिल देना पड़ गया, कोई नहीं पैसे पड़े हुए वहीं से दे लो, मतलब आप इस फैसिलिटी को एंजॉय करते हो किसी भी मकसद के लिए। तो ये तो हमेशा ही रनिंग फैसिलिटी तो हमेशा ही क्या होगा? जनरल लोन, ठीक है ना। लेकिन ये खामोश नहीं था सवाल, इसलिए मैं कह रहा हूं रनिंग फाइनेंस मींस जनरल लोन ना, ये खामोश नहीं था, वरना जब कभी सवाल खामोश हो लोन के बारे में तो कौन सा अज्यूम करोगे? तो अब लिख लो इस बात को अपने पास जली हुरूफ में लिखो, ताकि वक्त जरूरत सनद रहे और काम आए, कल को आप मुकर ना सको, ठीक है। अगर सवाल खामोश हो, अंग्रेजी में लिखना तो लिखो इफ क्वेश्चन इज साइलेंट, उर्दू ही ठीक है, ठीक है। अगर सवाल खामोश हो, कौमी जुबान में लिखे, ऐसे कभी कभी दिल घर पड़ता है ना आप लोगों का, तो घर में अंग्रेजी में, क्लास के बाद मुझसे पूछ लिया करो अंग्रेजी, नो इशू, मुझे कौन सा आती होगी। अगर सवाल खामोश हो तो लोन को हमेशा स्पेसिफिक अज्यूम करना है। अगर लोन के बारे में सवाल खामोश हो, बीच में ऐड कर दें यार, यार ऐसे एक लगी यार, आप सवाल खामोश हो लिखा हुआ है, कोई नहीं ऐड करना है यार, ये लाइन लगाओ और ऐड कर दो, क्या मसला। अगर लोन के बारे में सवाल खामोश हो तो उसे हमेशा स्पेसिफिक अज्यूम करना है। अगर लोन के बारे में सवाल खामोश हो तो उसे हमेशा स्पेसिफिक लोन अज्यूम करना है। ठीक है, एक बात तो ये हो गई, दूसरा पॉइंट लिखें, अभी लिख रहे हैं पहला पॉइंट, लिखें लिखें, मैं दोबारा बोलता हूं, अगर लोन के बारे में सवाल खामोश हो तो उसे हमेशा स्पेसिफिक अज्यूम करना है। ठीक है, अगली बार लिखो, रनिंग फाइनेंस फैसिलिटी को हमेशा जनरल लोन ही कहना है, रनिंग फाइनेंस फैसिलिटी होती ही जनरल लोन है, ठीक है, यूं लिख लो, रनिंग फाइनेंस फैसिलिटी, रनिंग फाइनेंस फैसिलिटी ब्रैकेट डाल के यूं लिख लो, बैंक ओडी, एक ही बात है, ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी भी इसको कहते हैं, ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी, देखो ना बैंक नेगेटिव में जाता ही कब है, जब 30 पड़े हैं और 50 पे कर दे। ये बैंक कब करेगा? बैंक को खाला का बेटा है, जब उसने ये फैसिलिटी हमें दी हुई होगी कि आपका कोई चेक आया और पैसे इतने ना हुए तो मैं आपके भी आप पे करूंगा, तो बैंक ओवरड्राफ्ट में जाता ही तब है जब ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटी हो, जिसको ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी भी कहते हैं, रनिंग फाइनेंस फैसिलिटी भी कहते हैं, ठीक है ना। तो रनिंग फाइनेंस फैसिलिटी या ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी जो है
ये होता ही जनरल लोन है। जुमला तो बदलता रहेगा यार, क्या हंसने लग जाते हो, अंग्रेजी उर्दू जो मर्जी। ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी या रनिंग फाइनेंस फैसिलिटी को हमेशा जनरल लोन अज्यूम करना है। बात समझ आ गई, अपने अल्फाज में लिख लो, खपो मत। होता है, होती है, सही कौन सा है, खुदा का नाम लो। जनरल फाइनेंस जनरल लोन है, बस आप उसको अपने अल्फाज में लिखो, बात समझ आ गई, ठीक है, जनरल लोन है बस ये, ओके। अच्छा जी, मुझे लग रहा था पता नहीं जल्दी जल्दी सवाल कर लेंगे, ये तो आगे नहीं चल रहा। जी जी, कहाँ से? नहीं 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 नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। ये सरप्लस फंड्स वाला जो पॉइंट है, ये तीसरा पॉइंट लिख देता फिर, ना पहले के साथ लिख रहा ना दूसरे के साथ। ऐसा फजूल सा क्यों हम अजम्पशन अपने जहन में रखें जो कहीं भी टूट जाए जाके? ऐसा कोई हम रूल नहीं बना सकते। रट्टे रुटे ना लगाया करें, सुकून से जिंदगी। रट्टा सिर्फ इतना सही है, खामोश है तो वो स्पेसिफिक लोन है, लेकिन रनिंग फाइनेंस फैसिलिटी में वो खामोश नहीं है भाई। सवाल चीख चीख के कह रहा है कि ये जनरल लोन है, जनरल लोन है। और फिर सबसे बड़ी बात, पहला लफ्ज एग्जिस्टिंग रनिंग फाइनेंस, पहले से पड़े थे ये लोन, ठीक है ना। तो सवाल तो चीख चीख के उसको गला बैठ गया मेरी तरह, लेकिन आप कह रहे हैं कि खामोश है, खामोश नहीं है। अगर खामोश होता भी तो हम, खामोश होता तो हम स्पेसिफिक लेते, ठीक है। नहीं आ रही तो यार तुमको कहो ना, मुझे क्यों कह रहे हो, ओके आ तो रही है। अच्छा अच्छा जी, अब एग्जिस्टिंग रनिंग फाइनेंस फैसिलिटीज ऑफ SIL कौन कौन सी हैं? एक रनिंग फाइनेंस फैसिलिटी है 28 मिलियन की। भाई रनिंग फाइनेंस फैसिलिटी ऑफ 28 मिलियन का मतलब ये कभी भी नहीं होता कि ये 28 मिलियन हमने ले रखा है। रनिंग फाइनेंस का मतलब ही ये है कि 28 मिलियन की लिमिट बैंक ने दी हुई है, अब 28 मिलियन तक ये ड्रॉ कर सकते हैं। कभी हो सकता है 10 ड्रॉ किया हुआ हो, कभी 15 हो जाए, फिर पॉजिटिव हो जाए, फिर 50 हो जाए, फिर 50 नहीं सॉरी, फिर 28 हो जाए, फिर 20 हो जाए, ठीक है ना। तो चेंज होता रहता है। तो फैसिलिटी की जो लिमिट है वो तो 28 मिलियन है। मार्कअप 13% है, पेबल एनुअली, ये भी आपका निकालना आपके बस में ही नहीं होता, पर्चे में आपसे थोड़ी निकलवाएगा, क्योंकि रनिंग फाइनेंस का तो जो बैलेंस है वो हर दिन तब्दील हो रहा है, ठीक है ना। कभी बढ़ गया, कभी कम हो गया, कभी बढ़ गया, कभी कम हो गया, कभी पॉजिटिव हो गया, कभी नेगेटिव हो गया। अब वो बैंक ही कैलकुलेट करता है, आपको तो फिगर दी होगी, ठीक है ना। अब आई कहता है द एवरेज आउटस्टैंडिंग बैलेंस ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ कंस्ट्रक्शन वॉज, ये है लोन आउटस्टैंडिंग। इसका वैसे तो आप आउटस्टैंडिंग लोन निकालना आपके लिए मुमकिन नहीं था, उसने निकाल के दे दिए, ठीक है। आगे भी एक और रनिंग फाइनेंस फैसिलिटी है, उसमें भी ऐसी ही बात की हुई है। तो भाई सवाल तो इतना सही था, बस खत्म हो गया सवाल। एक जनरल लोन है, एक स्पेसिफिक लोन है, कहानी खत्म। जनरल लोन के लिए हमें ये पॉइंट में से क्या चाहिए, 28 मिलियन को हमने कहीं यूज करना है, हमने कहीं 25 मिलियन को यूज करना है, हमने कहीं 13% को यूज करना है, ना जी ना। हम तो इन दोनों लोन्स में से एक एवरेज रेट निकालेंगे और 0.2 को पर्चे से फाड़ के फेंक देंगे कि तुम अब जाओ, अब तुम्हारा हमने कुछ नहीं करना। अब तो पेमेंट की अमाउंट को पकड़ेंगे, अगर जनरल लोन से वो हुई, उस पेमेंट की डेट से सिजेशन तक उस एवरेज रेट के ऊपर इंटरेस्ट निकाल लेना, अल्लाह अल्लाह ते खैर चलो। तो पहले मेरे ख्याल में 0.2 कर लेते हैं, ठीक है। यहां पे कर लें, यहां पे तो मैं करूंगा ना इंशाल्लाह वर्किंग वन। वो होगी रिसीट पेमेंट, आपको पता है बनेगा अब रिसीट पेमेंट कैजुअल, ठीक है जी। इसमें आपका स्पेसिफिक लोन आएगा, जनरल लोन आएगा, बैलेंस आएगा, ठीक है ना। तो चलें कोई मसला नहीं, आप उसको वर्किंग टू कह लें, आपको तकलीफ हो रही है तो सर हम तो तरतीब से चलेंगे। असल में सवाल में तरतीब उसकी पहले बनती थी ना, लेकिन हम जनरल लोन नजर आ जाए तो ये छोटा सा काम होता है पहले कर दिया करेंगे। अब कल की रिवीजन है जी, जरा देखें वर्किंग वन है जी, ठीक है। हम निकालेंगे कैपिटलाइजेशन रेट, कौन सा रेट जी, जिसको एवरेज रेट भी कहते हैं। एवरेज रेट है, लेकिन इसको यूज करना है फॉर कैपिटलाइजेशन ऑफ बोरोइंग कॉस्ट ऑफ जनरल लोन, इसलिए कैपिटलाइजेशन रेट भी कह देते हैं, ठीक है ना। कैपिटलाइजेशन रेट क्यों कहते हैं,
कि इस रेट के ऊपर, इस रेट पर हमने जनरल लोन के इंटरेस्ट को एसेटी कॉस्ट में ऐड करना है, कैपिटलाइज करना है, इसलिए कैपिटलाइजेशन रेट। बहरहाल एवरेज रेट, एवरेज कैपिटलाइजेशन रेट जो मर्जी कह दो। लोन की टैप लिखी थी हमने, ठीक है जी, और वो कल वाला फॉर्मेट पूरा बनाएंगे। फिर लोन की अमाउंट, मंथ्स आउटस्टैंडिंग, लोन आउटस्टैंडिंग, रेट और इंटरेस्ट। लिखा था मंथ्स के साथ भी आउटस्टैंडिंग कल? तुमने मंथ लिखा है तो फिर मतलब क्या, मतलब इल्जाम लगा दोगे क्या? कुछ भी बोल दोगे हैं? मतलब दिखाओ यार इसको, कहाँ लिखा था हमने, दिखाओ यार इसको, साथ वाले तुम ही दिखाओ, दिखाओ इसको यार, दिखाओ इसको, एक दो और बंदे भी दिखाओ यार, ठीक है, ओके डन। अच्छा जी चले वापस आए। अच्छा बस ना यार, होगी बस बात। इधर देखो, रनिंग फाइनेंस फैसिलिटी है, रनिंग फाइनेंस फैसिलिटी है, नाम तो कोई नहीं है, मैं इसको वन और टू कह दूं अगर आप लोगों की इजाजत हो तो। एक लोन वन है, एक लोन टू है, बैंक ए भी है, तो ए और बी कर दो, वर्किंग जो है यार। अच्छा अब सबका ध्यान, रनिंग फाइनेंस फैसिलिटी ऑफ 28 मिलियन फ्रॉम बैंक ए, क्या ये लोन की अमाउंट है? ये लोन की अमाउंट नहीं है, ये लिमिट है। कितने महीने आउटस्टैंडिंग रहा? नहीं बताया। लिखना चाहो तो 28 लिख लो, जबरदस्ती है लिख लो 28 जी, हमने लोन ही लिया हुआ 28 का, कितने महीने आउटस्टैंडिंग रहा, ये तो मसला आ गया ना फिर। अच्छा आगे देखो, फिर उसने कहा रनिंग फाइनेंस फैसिलिटी, फैसिलिटी है 28 मिलियन की, फैसिलिटी ऑफ 28 मिलियन फ्रॉम ए, कैरिंग मार्कअप ऑफ 13% पेबल एनुअली, एक पता लग गया 13%, ये तो पता लग गया, लिखो लिखो लिखो। आगे चले, द एवरेज आउटस्टैंडिंग बैलेंस, इसको गले से लगा लो, ठीक है, ये हमारे काम की फिगर थी, वो जो हम लोन के साथ आउटस्टैंडिंग मंथ्स को मल्टीप्लाई करके लोन आउटस्टैंडिंग निकालते थे ना, ये उसने निकाल के दिया हुआ है हमें, टेंशन ना लें। और रनिंग फाइनेंस आएगा तो ये उसको निकाल के देना ही पड़ेगा, वो मंथ्स के हिसाब से निकलते ही नहीं है, निकलना मुमकिन नहीं है, डेली बैलेंस चेंज हो रहा है। अब आप पर्चा छोड़ के बैंक में चले जाओगे और सारे साल की उसकी जो है वो चीजें वो निकाल के देखोगे कब कितना बैलेंस रहा, वो एवरेज बैलेंस पर्चे में आपको निकाल के देगा, ये मजबूरी है। अगर रनिंग फाइनेंस आएगा तो एवरेज बैलेंस को देना पड़ेगा, ठीक है। तो द एवरेज आउटस्टैंडिंग बैलेंस ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ कंस्ट्रक्शन, सुकून हो गया फिर तो जी, वॉज रुपीज 25,000, हम 1,000 में चल रहे हैं ना, ठीक है आगे बढ़े, नेक्स्ट में आए। रनिंग फाइनेंस फैसिलिटी ऑफ 25 मिलियन, ठीक है, फ्रॉम बैंक बी, द मार्कअप एक्रूड ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ कंस्ट्रक्शन वॉज 3 मिलियन, ओए ये तो कोई नहीं गिवन था, ये भी कोई नहीं गिवन था, और इस पीरियड का इंटरेस्ट उसने बता दिया कितना, 3,000, 3 मिलियन है। अब ये तो बड़ी मुसीबत पड़ गई, ये तो हमें क्वेश्चन मार्क लग गया, रेट ही नहीं गिवन। अच्छा सुनो सुनो सुनो, एंड एवरेज रनिंग फाइनेंस बैलेंस ड्यूरिंग द पीरियड वॉज 20,000, ये भी इसने दे दिया, बड़ा मसला हो गया ना, अब ये रेट ही नहीं गिवन यार, इस रेट से क्या निकालना होता है, ये इंटरेस्ट ही निकालना होता है ना, तो वो उसने खुद ही निकाल के दे दिया। आप रेट निकालना चाहो खाम खा तो निकाल लो, लेकिन टाइम ही जाया करना है आपने, ना तो ये रेट लेना है ना ये रेट लेना है, ये रेट लगाकर फिगर्स निकालते हैं ना और फिर एवरेज करते हैं, उसने ये पहले फिगर दे दी है, तो टोटल करो लोन को, ये 45,000 आ गया, और ये 3,000 जो मिसिंग है उसको, ये जरूरी फिगर है 3,250 टोटल 6,2। अब हमें चाहिए हाँ एवरेज कैपिटलाइजेशन रेट फॉर जनरल लोन होता है ये, ठीक है ना। इधर देखो, इंटरेस्ट 6,250 डिवाइडेड बाय 4,5 लोन आउटस्टैंडिंग आ गया इनटू 100 इज इक्वल टू 13.9 कर लो, चलो बस डन फाइनल। मुश्किल लगा कुछ?
उल्टा आसानी हो गई ना, लोन देकर हमें मंथ से मल्टीप्लाई करना पड़ा, उसने हमें आउटस्टैंडिंग बता दिया। फिर एक जगह उसने फनकारी लगाई, रेट ही नहीं दिया, और हमें चाहिए क्या होता है इंटरेस्ट, हमारा टाइम और बच गया। कोई क्वेश्चन है तो पूछ लो। अब इधर देखो, इधर देखो जरा, सब इधर देखो, चल निकल जा। अब हमने इसको यूज, ठीक है, अब इस पर कश्ती ना चला देना, ठीक है, ओके जी, सही है। अब इसको हमने मजीद यूज नहीं करना, इससे जो यूज करने वाली चीज थी वो निकाल दी, रेट निकल आया। अब डेट ऑफ पेमेंट से सिजेशन तक हमने इस रेट के ऊपर कैपिटलाइजेशन करनी है। अब पॉइंट टू को कुछ भी यूज नहीं करना, क्लियर है ये बात? यही कर रही, कल भी यही किया था, पावर वाला सवाल घर पे कितने बच्चों ने किया था, दोबारा बताना जरा, किस किसने किया था पावर वाला? कितने अच्छे बच्चे हैं, अल्लाह ने पास कर दे तू। अल्लाह जो बाकी इस बात से सुन के मोटिवेट हो और आज से शुरू करें, अल्लाह तूने भी पास कर दिया, काम तो सारों से करवाना है ना। ओके अब जी चलते हैं लोन की तरफ, स्पेसिफिक की तरफ, ठीक है। और उसमें सबसे आसान काम क्या होता है? इंटरेस्ट एक्सपेंस निकालना, ठीक है। जरा इधर बता दो मुझे, कमेंसमेंट किस दिन करनी है? यकम सितंबर पे, और सिजेशन 31 मई 9 पे। अब मंथ्स गिन लेते हैं, मंथ्स गिन लेते हैं, तो क्या हुआ यहां? मैं इंस्टॉलमेंट की तो बात ही नहीं कर रहा, यहां मैं ये कह रहा हूं कि कितने अरसे का इंटरेस्ट एसिडी कॉस्ट में ऐड कर, वो इंटरेस्ट निकालते हुए मुझे बताना इंस्टॉलमेंट आ रही है, वो फर्क पड़ेगा एक्सपेंस की फिगर में। ये तो बात हो रही है कितने अरसे का इंटरेस्ट बैंक को देना, एक किस्त पे किया उससे पहले भी इंटरेस्ट देना था, उसके बाद भी इंटरेस्ट देना, ठीक है ना। तो सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, 9 मंथ्स, 9 महीने आ गए यहां पर। और अब 25 का लोन, नंबरिंग क्यों नहीं कर रहा, नंबरिंग क्यों नहीं कर रहा मैं, नंबरिंग रिसीट पेमेंट बनाने से पहले नंबरिंग करते हैं, वो एंड पे कर लेंगे, फिलहाल उससे पहले वाला काम हो सकता है। 25 मिलियन का लोन आया यकम अगस्त 8 पे, ठीक है, और 5 मिलियन इसमें से पे हो गया अलोंग विद इंटरेस्ट, ठीक है। फिलहाल तो मुझे लोन की फिगर चाहिए ना, ठीक है, पेमेंट की बात नहीं कर रहा इस वक्त मैं, रिसीट पेमेंट में इंटरेस्ट पेड को ढूंढूंगा, फिलहाल तो मुझे इंटरेस्ट एक्सपेंस से गर्ज है। और आपको पता है इंटरेस्ट एक्सपेंस वक्त के साथ साथ एक्रू हो जाता है, पे हो ना हो इंटरेस्ट एक्सपेंस में डेबिट होना होता है ना, ठीक है, एक्रूअल, एक्रूअल प्रीपेमेंट पड़ा हुआ है ना, हाँ, दूसरों ने नहीं पढ़ा हुआ, उनको पढ़ाना पड़ेगा। अच्छा अच्छा जी, अब 25 मिलियन का लोन आया था यकम अगस्त 2008 पे, 25 मिलियन पे 12% के हिसाब से इंटरेस्ट लगाना शुरू किया पूरा अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी और पूरा जनवरी, बस 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 6 महीने हो गए, 6 महीने 25 पे इंटरेस्ट निकलेगा, और फिर 7वें महीने के पहले दिन घर से जब निकलेगा स्पिन इंडस्ट्रीज, जब घर से निकलेगा तो आते हुए 5 मिलियन बैंक के मुंह पे मारेगा। अब बाकी के 6 महीने 20 मिलियन पे इंटरेस्ट लगेगा, बोलो। तो दो स्टेप्स, एक के एक किस्त आई है तो दो स्टेप्स, दो किस्तें आ जाती तो, अगर हर महीने बाद किस्त होती तो 6 महीने है तो 6 इंटरेस्ट, 10 महीने है तो 10 इंटरेस्ट, ठीक है ना। तो फिलहाल किस्त एक ही आई, ठीक है, तो चलो पहले ही आसान काम कर लेते हैं। सस्पेंशन तो नहीं है सवाल में, तो फिर आज मंथ्स भी नहीं लिखेंगे और बटे में फासला भी नहीं डालना, ठीक है ना। हाँ, सस्पेंशन सवाल में नजर आए तो देख लो कौन सी है, अगर नॉन रूटीन है तो भी सवाल पहले करते जाना है, बस ध्यान क्या रखना था, बटा लगाते हुए फासला, मंथ्स लिखने हैं और आंसर नहीं निकालना। लेकिन आज सस्पेंशन नहीं है, आज बटे करीब करीब आ जाएंगे, ठीक है। तो हाँ जी, 25 मिलियन 1000 कर लो, 25,000 इंटू 12%, ये आ गया पूरे साल का इंटरेस्ट है, हमें चाहिए 6, कौन कौन से 6 महीने? अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, ना बेटा ना। अच्छा चलो एक मिनट के लिए, यकम अगस्त को लोन आया, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, 11 महीने ये इंटरेस्ट, ये लोन आउटस्टैंडिंग है, ठीक है ना, ऐसे बात करते हैं ना।
देखो ना, यकम जुलाई को नहीं, यकम अगस्त को आया, एक महीने बाद आया, तो 11 महीने आउटस्टैंडिंग रहा। अब बैंक ने तो इंटरेस्ट लेना है 11 महीने का, ठटक गए। यहां पे 9 मंथ्स की कैपिटलाइजेशन सिर्फ अलाउड है। तो अब जरा ध्यान से देख लो कौन से महीने नहीं आ रहे। एक तो 31 मई को हमारा काम खत्म हो गया, तो जून वाले महीने का इंटरेस्ट ऐड नहीं होना। अब आपने कहा 11 का बैंक को देना है, एक तो ये जून वाला ऐड नहीं होना, रह गए 10। अभी भी एक मसला है, वो कौन सा मसला है? हाँ, लोन आ गया था यकम अगस्त को, काम शुरू किया था यकम सितंबर को, तो पहले एक महीने का इंटरेस्ट भी एसेट की कॉस्ट में ऐड नहीं हो सकता। तो आज इसलिए मंथ्स लिखूंगा कि आपको बताना है कौन कौन से महीने हैं ये, ठीक है? तो इनटू कौन कौन से महीने, 5 क्यों लिए मैंने, कौन कौन से महीने? हाँ, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर और जनवरी भी। अब इधर देखो, ये जो इससे पहले वाला अगस्त है वो बैंक ने पैसे लेने हैं लेकिन वो कैपिटलाइज नहीं कर सकते, एसेट पे काम ही शुरू नहीं किया, इंटरेस्ट पहले ही एसेट कॉस्ट में, इंटो से पहले इंटरेस्ट लगा हो नीचे, पहली इंटरेस्ट बुनियाद खोदी, नीचे से इंटरेस्ट निकल आया। हाँ भाई किधर, मैं पिछले महीने के इंटरेस्ट में कैपिटलाइज हो गया था, ऐसे नहीं होता, ठीक है ना? इसने कैपिटलाइजेशन शुरू करनी है लेटर ऑफ से, और आज लेटर डेट कौन सी है, यकम सितंबर, जिस दिन बुनियाद खोदी आपने, तो उधर नीचे से इंटरेस्ट ने नहीं निकलना। ओके, अच्छा सही है, 5/12 क्यों किया समझ में आता है? असल में तो जब पेमेंट करनी है बैंक को 31 जनवरी तक का इंटरेस्ट, यकम फरवरी को पे करोगे ना रिसीट पेमेंट में, वहां पे 5/12 नहीं करना, वहां पे बैंक ने पूरे 6 महीने का लेना है, ठीक है? वो यकम अगस्त से 31 दिसंबर तक 6 महीनों का इंटरेस्ट लेगा। हम पे 6 का ही करेंगे, पर एसेट की कॉस्ट में ऐड करना है इन 5 का, बाकी 1 महीना कहां जाएगा? बना दूं टाइमलाइन, ये समझ आ रही है? लेकिन मेरा दिल कर रहा फिर भी बना दूं, जिसको समझ आ रही है वो चुप करके बैठे। यकम जुलाई 2008 को साल शुरू हुआ, तो जाहिर सी बात है 30 जून 2000, बड़ा बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट था ये, 30 जून 2009 पे ये खत्म होगा, ठीक है? अच्छा, अब लोन पहले जरा मैं महीने बना लूं यार, ये बीच में कोई दिन लंबे हो जाए, कुछ छोटे हो जाए छोड़ दें इसको, ठीक है ना? सर्दियां गर्मियां, यू नो, जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जून, ठीक है? अच्छा, अब लोन आया इस दिन 25 मिलियन का, ठीक है ना? और इस दिन 31 जनवरी तक का इंटरेस्ट और एक किस्त माइनस, ठीक है ना? और इंटरेस्ट भी माइनस होगा, लेकिन इंटरेस्ट तो लगे तो प्रिंसिपल था, ठीक है ना? अब इन 6 महीनों का इंटरेस्ट बैंक को देना है, लेकिन कैपिटलाइजेशन शुरू होनी है यहां से, तो ये अरसा जो होगा इन 6 में से, ये 5 महीने का इंटरेस्ट जाएगा एसेट की कॉस्ट में ऐड होगा, और ये 1 महीने का इंटरेस्ट जो है वो एक्सपेंस में जाएगा। बात समझ गए हो? ठीक है, ये मैं कह रहा था। लेकिन पेमेंट जब बैंक को करनी है, यकम भाई इधर लगा दें हमें, बस अब इधर ही चल रहा है काम, ठीक है ना? इधर से आ जाएगा ये, ठीक है, आ रहा है ना? अच्छा, तो पेमेंट जब बैंक को करनी है तो यकम फरवरी को पेमेंट होगी पूरे 6 महीने के इंटरेस्ट की, जमा ये 5 रुपए, 5 क्या है? इंस्टॉलमेंट, ठीक है? ये रिसीट पेमेंट के लिए कह रहा हूं, याद रखना। ओके, अच्छा जी, तो समझ आ गई ये बात। फिर जनाब ये पेमेंट हुई 5 की, पेमेंट हुई 5 की, और बोलो ये था हमारा लोन 25 का, पूरे 6 महीने ये 25 आउटस्टैंडिंग रहा, और इस दिन की रात की बजाय अगले दिन सुबह 5 देकर जब दफ्तर में पहुंचे तो 20 आउटस्टैंडिंग है। अब ये 20 आउटस्टैंडिंग रहा, ठीक है, और ये 20 पूरे 6 महीने आगे आउटस्टैंडिंग रहा, ये रहा पूरे 6 महीने आउटस्टैंडिंग, ठीक है ना? और वो 6 महीने भी इससे भी आगे जा रहे हैं, वो तो हमारे साल से भी आगे निकल जाएंगे ना, ठीक है? ओके, अब हमारा जो काम था एसेट के ऊपर वो रुक गया 31, तो फरवरी मार्च अप्रैल और मई, इन 4 महीनों का इंटरेस्ट जो इस 20 पे निकलना है वो एसेट की कॉस्ट में ऐड होना है, और जुलाई का
और जाहिर सी बात है अगला अगस्त का वो तो सॉरी जून का और जुलाई का, वो जुलाई तो वैसे ही हमारे साल से निकल गया ना, ये एक्सपेंस बनेगा। और फिर इस दिन की शाम की बजाय अगले दिन की सुबह वो एक और किस्त पे करेगा, जितने की भी करेगा, पांच की होगी, हमें इससे क्या, हमारे साथ से तो बात निकल गई है, ठीक है। और इन छह महीनों का इंटरेस्ट भी पे हो जाएगा, ठीक है। तो ये लाल वाला नजर आ रहा है, सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी 25 मिलियन के छह महीने के इंटरेस्ट में से ये पांच महीने कैपिटलाइज, एक महीना एक्सपेंस आउट, फिर पांच की किस्त पे हो गई। अब आउटस्टैंडिंग कितना रह गया, 20। इस 20 ने यकम फरवरी से लेकर 31 जुलाई तक छह महीने आउटस्टैंडिंग रहना है। तो इस पे छह महीने का जो इंटरेस्ट है उसमें से हमारे लिए रेलेवेंट सिर्फ इन चार महीनों, ठीक है जी, जो कैपिटलाइज कर रहे हैं। बाकी फिलहाल उसने प्रॉफिट एंड लॉस मांगा नहीं है कि हम अगले की बात करें एक्सपेंस में कितना जाना है, हमारे लिए रेलेवेंट तो रह गए यहां से पांचवा, ठीक है ना, यहां से ये वाले पांचवा और यहां से, तो ये पांच और चार नौ, नौ महीने ही कैपिटलाइज करने हैं हमने, थोड़ी सी बारीकी थी इसके अंदर, ठीक है, ओके। ले जी फिर जब 20,000 आउटस्टैंडिंग रह गया तो उस पर भी इंटरेस्ट रेट 12% लगा, तो एनुअल इंटरेस्ट आया। अब हमने कितने महीने इसमें से लेने हैं, क्योंकि 31 मई पे काम रुक जाना है, कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो जानी है, तो 4/12। ये कौन कौन से मंथ्स हैं, फरवरी मार्च अप्रैल और मई, ठीक है। देख लो लाल वाले यही हैं, यही मंथ्स हैं लाल वाले, ओके डन। आंसर एंड भी निकालेंगे, जाने दो अब, बट ठीक है एंड पे निकालेंगे अब, ओके। आंसर निकालना ज्यादा वैसे ही कंफ्यूज करेगा सीट पेमेंट में। लो भाई काम हो गया, डन काम हो गया, सही है, इंटरेस्ट ऑन स्पेसिफिक लोन आ गया। अब इन्वेस्टमेंट इनकम का एक पॉइंट, उसने सिर्फ एक लाइन ही लिखी है, हमें मुसीबत पड़ गई, चलो अब पढ़ना शुरू करते हैं। इन एडिशन टू अबव, ओहो ये तो रह ही गया, चलो इसको लिख तो लें। ये क्या होगी जी, कॉस्ट ऑफ एसेट, कॉस्ट ऑफ ऑफिस बिल्डिंग, कॉस्ट ऑफ बिल्डिंग में इसको ऐड करना है ताकि भूले ना, ठीक है। अच्छा अब ऑन 1 अगस्त 2008 अ मीडियम टर्म लोन ऑफ 25 वाज ऑब्टेन। अच्छा यार ये नंबर लेना ले, अ कमिटमेंट फी ऑफ 0.5 ऑफ द अमाउंट ऑफ लोन, ये भी तो पे हुई है, ठीक है, उसी दिन बैंक ने चार्ज की होगी, ठीक है, और सही है ना। तो ये कर लेते हैं 0.5 × 20, ये मुफ्त के नंबर ऐसे ही छोड़ दें, ये 0.5% है, 25,000 का लोन, जितना लोन होगा ना सवाल खामोश है, उसी की परसेंटेज ही प्रोसेसिंग चार्जेस होते हैं, ठीक है ना, × 0.5%, भाई ये 0.5 नहीं है, 50% बन जाएगा वो, 0.5% लिखना। अच्छा कैलकुलेटर पे क्या आंसर आया, 125 रुपए, यानी 1,25,000। यार देख लो एक फैसला कर लो, 125, मैंने यही तो अर्ज किया 0.5% है, 0.05 5% होता है, ओके okay। अच्छा जी ये नंबर आगे मुफ्त के, और ये मुफ्त के नंबर इंशाल्लाह हम 8 मिलियन लेंगे जब हम एसेट की कॉस्ट निकालने लगेंगे, ठीक है ना, बोरिंग कॉस्ट तो ये नहीं है, ओके okay? अच्छा अच्छा भाई चलें आप बात करते हैं, रिसीट पेमेंट बनाना है तो उसके लिए नंबरिंग चाहिए, नंबरिंग करना आप शुरू करते हैं। आज नंबरिंग बड़े ध्यान से करनी है, ठीक है, आज बहुत कुछ है सवाल के अंदर, जैसे कि लोन का आना, ठीक है। ऑन 1 सितंबर 2008 स्पिन इंडस्ट्रीज स्टार्टेड कंस्ट्रक्शन ऑफ इट्स न्यू बिल्डिंग एंड कंप्लीट ऑन 31 मई, पेमेंट मेड टू कॉन्ट्रैक्टर वर एज फॉलोस, पहली पेमेंट 1 सितंबर को हुई, ठीक है, लोन 1 अगस्त को आ गया था, लोन 1 अगस्त को, तो ये जो लोन 1 अगस्त को आया है पहला नंबर तो इसका बन गया, क्यों नहीं नहीं ये 1 नहीं है, अगर कुछ और साथ हुआ तो इसी डेट पे तो उसको 1 उसको ए कर लेंगे, उसको बी कर लेंगे, ठीक है, और अगर इसके बाद की कोई चीज है तो वो 2 ही होगी। रिसीट पेमेंट बनाते हुए बेशक लेटर पे हम ले जाएं, लेकिन नंबरिंग में आपने खुद से नहीं चीजें कंबाइन करनी, ठीक है ना। तो सबसे पहले क्या हुआ, लोन आया, लेकिन साथ ही बैंक ने क्या कहा, भाईजान ये लोन लेना है ना तो 0.5 भी दो, ये रिसीट है लोन की, ये 25 मिलियन रिसीट है, और इसी दिन ये थोड़ी सी पेमेंट भी करनी पड़ी, ये सेम डे है, तो 1A और 1B, ये जरा सामने अच्छा लगता है ना, नंबरिंग सही हो जाती है, आप एंड पे पिक्चर ले लेना, ओके, ताकि बुक आने पे अच्छा है, वैसे बुक बच जाएगी आपकी।
अब जब आप फाइनल, जब आप रिवीजन के लिए बैठेंगे, ठीक है, तो ये सवाल फ्रेश ऐसे उस कैसे करके साफ करना, ठीक है, और सफ़े पे हाँ हाथ फेर के नंबरिंग करना नए सिरे से, ठीक है ना, वो अच्छा हो जाएगा एक बार आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। अच्छा बहरहाल उसके बाद भाई 1 अगस्त को और कुछ हो रहा है देख लो जरा, सरप्लस फंड्स आर इन्वेस्टेड ऑन 1 फरवरी, तो 1 फरवरी 9 की बात कर रहा है, तो 1 अगस्त 8 के बाद अब और कुछ नहीं हुआ, अगस्त गुजरा और सितंबर में कुछ हो रहा है, यस सितंबर में तो बहुत कुछ हो रहा है, सितंबर में फर्स्ट कंस्ट्रक्शन पेमेंट की और इन एडिशन टू अबाव ये 8 मिलियन भी पे हुआ, हुआ नहीं हुआ, देखो 1 सितंबर को फर्स्ट कंस्ट्रक्शन पेमेंट हुई, इन एडिशन टू अबव पेमेंट्स एसआईएल पेड 8 मिलियन ऑन 1 सितंबर, तो ये दोनों ही 1 सितंबर के हैं, ठीक है, ये भी कंस्ट्रक्शन पेमेंट है, ये भी कंस्ट्रक्शन पेमेंट है, 2A और 2, आज तो मजा आ गया है, ठीक है। उसके बाद सितंबर पूरा गुजर गया सुकून से, अक्टूबर पूरा गुजर गया, नवंबर पूरा गुजर गया, दिसंबर के पहले ही दिन पेमेंट आ, अब दिसंबर पूरा गुजर गया, जनवरी पूरा गुजर गया, फरवरी के पहले ही दिन पेमेंट बस, और फिर हाँ देखा तैयार बैठा था भाई, 1 फरवरी को ठेकेदार को भी पैसे दिए और 1 फरवरी को इधर देखो, इधर देखो देखो देखो, बैंक को लोन भी दिया, इंटरेस्ट भी दिया, अब 3 चीजें बननी है इस दिन, एक ये कंस्ट्रक्शन पेमेंट की, दूसरा बैंक को 5 मिलियन इंस्टॉलमेंट पे की प्रिंसिपल की और इंटरेस्ट भी, हाँ 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 सारे ये होते जा रहे हैं, 4B and 4C, कमाल नहीं होगी आज, अब एक डब्बे में 3 केक होंगे हैं, डब्बे में डब्बा, डब्बे में 3 केक, एक कंस्ट्रक्शन पेमेंट और एक इंस्टॉलमेंट और एक हाँ इंटरेस्ट, ठीक है जी, ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। अब फरवरी गुजर गया पूरा सुकून से, मार्च भी गया, बोलो अप्रैल भी, मई भी, जून भी, जून नहीं गुजरने दिया उन्होंने, कहा ठहर जाओ। आज एक और चीज भी कंक्लूड करेंगे, वो सुन लें पहले, फिर कंक्लूड भी आप खुद ही करेंगे। जैसे मैंने कहा आपको, एक सवाल में जाके जहां पे आप इतना तजर्बा हो जाएगा, पता लग जाएगा कि ये रूल लग नहीं रहा, वरना हर जगह लगेगा, क्या हम रिसीट पेमेंट को बनाया करेंगे हमेशा लेटर से और रोक दिया करेंगे इस डेट में, क्यों, उसके बाद वाली पेमेंट लिख भी लोगे ना, उसका कोई फायदा नहीं है, ना तो हमने उसके बाद वाली किसी जनरल लोन की पेमेंट को इंटरेस्ट में ऐड करना है, ना ही उसके बाद वाली इंटरेस्ट इनकम को, लेकिन आज लिख के काटेंगे ना तो कंक्लूड भी हो जाएगा, लेकिन वैसे उसूल क्या बना लेंगे, हम रिसीट पेमेंट को हमेशा लेटर से शुरू किया करेंगे, वैसे भी लोन का रिसीट पेमेंट है ना, लेटर से शुरू किया करेंगे और वर्क कंप्लीट पे रोकेंगे, मसला सिर्फ तब आएगा जब ये लेटर लेट हो और जनरल लोन से पैसे पहले इस्तेमाल हो जाएं, जैसे क्लास के स्टार्ट में कहा था, वो उस सवाल में देखेंगे ना, वो तो एक दफा आना है बस, टेस्ट में हो सकता है आ जाए, ठीक है, लेकिन बाकी काम तो आप कर लेंगे जी, बोलें, अच्छा टेस्ट में हो सकता है ना भी आए, वो क्लास में आ जाए, टेस्ट में कुछ और हो जाए, तो ये कुछ भी हो सकता है, यू कैन एक्सपेक्ट द अनएक्सपेक्टेड, ठीक है, ओके अच्छा सुनो सुनो सुनो, सवाल खत्म करें आप जी, नंबरिंग हो गई, कोई और चीज तो नहीं रहेगी, जरा देख लो, मुझे डर ऐसा लग रहा है कुछ रह ना गया हो, सही है जी, ओके है, डन है, शुरू करते हैं काम जी, डेट और डिस्क्रिप्शन अब डिस्क्रिप्शन भी चाहिए, चलो बन ही जाएगा, गुजारा कर लेते हैं, स्पेसिफिक लोन जनरल लोन मिलियन में करते तो छोटी छोटी फिगर होती है ना, और बैलेंस अगर आपस में मिक्स ना हो तो ये छोटी सी लाइन लगा लो, अच्छा जी अब शुरू करेंगे इसको कहां से, लेटर डेट से, ये पहले ही बता दिया था, ठीक है ना, लेटर डेट हमारी है
यकम सितंबर, हालांकि आपका वन जो है वो यकम अगस्त से पड़ा है, लेकिन हम क्या करेंगे, हम लोन ऑलरेडी रिसीव्ड कह देंगे, ठीक है ना, सही है। ओके तो शुरू करते हैं। लिख तो हमने यहां पर यकम सितंबर ही लेना है, यकम सितंबर 2008 है ना, 8 है यार, 9 में तो खत्म होना है, 9 हमारे साल में नहीं है, 9 हमारी जिंदगी में नहीं है। अच्छा जी, लोन ऑलरेडी रिसीव बोलो 25, और साथ ही इस दिन 25,000, ठीक है, और इसी दिन लोन प्रोसेसिंग चार्जेस, अब ऑलरेडी पेड क्या लिखने, बस चार्जेस लिखनी है, पेड पूड 125 माइनस, अभी मत कुछ करो, अभी रुको। ये तो था, इधर देखो, ये तो था हमारा 1A और 1B, ये तो पुरानी डेट पे था, लेकिन हम उसको भी उठाकर ले आए यकम सितंबर पे। अब यकम सितंबर वाले भी तो पड़े हैं, 2A लोन आया, सॉरी कंस्ट्रक्शन पेमेंट की, और 2B मैप, ये परमिट फी भी पे की, ठीक है। तो 10,000 की कंस्ट्रक्शन पेमेंट की है और 8,000 की परमिट फी पे की है, ठीक है। तो ये भी इसी दिन है, तो यकम सितंबर, ये तो मजबूरन लिखा यकम सितंबर लेटर पे लाने के लिए, और ये तो है ही यकम सितंबर, ठीक है। फर्स्ट उठ जाओ, दोनों उठ के पीछे चले जाओ, इसको भी ले जाओ साथ, ले जाओ ले जाओ ले जाओ, मुझे पता था मैंने इधर मुंह करना है तो तुम लोगों ने बात, निकलो निकलो सब पीछे जी। फर्स्ट कंस्ट्रक्शन, देखें जी देखें, ये धोखा दे रहे थे मुझे, देखें फ्रॉड लगा रहे थे मेरे से। फर्स्ट कंस्ट्रक्शन पेमेंट कितना, 10,000 माइनस माइनस, और इसी दिन परमिट फी पेड, परमिट फी पेड। अब देखो ना कितना है, वैसे बताओ पहले 8,000। अब देखो क्या है यहां पर, यहां पर हम सिर्फ क्या ले रहे हैं, रिसीट पेमेंट पेमेंट पेमेंट, इनकम एक्सपेंसेस नहीं आ रहे यहां पे, इनकम एक्सपेंसेस नहीं आते, इंटरेस्ट एक्सपेंस नहीं लेंगे यहां पे, इंटरेस्ट पेड लेंगे यहां पे, यहां पे इंटरेस्ट एक्सपेंस जाता है, यहां पे इंटरेस्ट, क्योंकि रिसीट पेमेंट, मैंने RP लिखा हुआ है, पूरा लिख लो आप, रिसीट स्लैश पेमेंट। ओके अच्छा, लो जी डब्बे में डब्बा, डब्बे में 4 केक, माशाल्लाह, लो जी लो, क्या बात है जी, क्या व्हाट टॉक इज, क्या बात है। ओके हाँ, तो यही नहीं बनता, व्हाट क्या टॉक बात इज है, दिस इज फास्ट इंग्लिश, ओके यू विल नॉट कैच दिस। अच्छा चलो जी, हाँ मैं बता दो, 6875, बस जीरो शीरो कोई, 6875 बैलेंस में आ गया, अब इन्वेस्टमेंट के लिए तैयार है यकम सितंबर से, ठीक है। ये हमने 1A 1B 2A 2B लिख दिया, ठीक है, नंबर लिखने की जरूरत नहीं, मैं आपके लिख रहा हूँ बस, आप ना लिखिएगा, ठीक है, चलें आगे। कुछ बच्चे कह रहे हैं स्पेसिफिक लोन थे, पहली पेमेंट थी फड़क गया सारा। अच्छा शुरू में ऐसे ही एकदम से खर्चे होते हैं ना, ठीक है। अच्छा उसके बाद आगे बैठ जाओ, इंसान बनो करो, अच्छा बैठ जाओ आगे, वैसे तो वहीं खड़े रहते हो, अच्छा तो आप कैमरे के आगे आओगे, जल्दी आओ बैठो। अच्छा जी उसके बाद ऑनलाइन वाले बच्चों, ये फ्रॉड लगा रहे थे वैसे तो ऑनलाइन वाले बच्चों, देखा खुद ही छुप गए। अच्छा जी उसके बाद 2A 2B हो गया, 3 पे क्या है, 15,000 की कंस्ट्रक्शन पेमेंट, किस दिन है जरा डेट बता दो, यकम दिसंबर 2008, सेकंड कंस्ट्रक्शन पेमेंट 15,000 है। हमारे पास स्पेसिफिक लोन में कितना पड़ा है, तो इसके लिए आपको, इसी दिन के लिए आपको कहा था, इसी दिन के लिए ये बात कही थी कि ब्रैकेट में लिख लेना 15,000, ताकि आपको उसे बांटना जरा आसान रहे, गलती ना लगे, ठीक है ना। तो 15,000 देना है, यहां से 6875 गया,
यहाँ पे जीरो रह गया, लो इन्वेस्टमेंट इनकम की जगह देखो हमने छोड़ी हुई, निकला गया चूहा, खुदा पहाड़ निकला गया चूहा, तो जीरो रह गया है। एक ही दफा बस इन्वेस्टमेंट इनकम एक ही लाइन आएगी, ठीक है ना। चलो मैं मिटा के ऊपर कर लूंगा थोड़ा सा, उसके बाद बाकी 8125 ये पेमेंट जनरल लोन से होगी। अब जनरल लोन में ऊपर कब पैसे आए कहां है, हमें क्या जरूरत है, हमने इस पेमेंट को पकड़ना है, पेमेंट की डेट को पकड़ना है, इंटरेस्ट टिल सिजेशन यानी वर्क कंप्लीशन, या अगर ये रेंट पहले हो जाए तो वहां, ठीक है समझ रहे हो, आगे बढ़ो फिर, समझ रहे हो तो आगे बढ़ो। थ्री के बाद फोर पे तो कमाल हो गया, फोर ए फोर बी फोर सी, पहले फोर ए कर लेते हैं, जरा काम आसान है, ठीक है। और साथ वैसे भी यहां पर थर्ड कंस्ट्रक्शन भी लिखना नहीं पड़ेगा ना, सिर्फ थर्ड लिखेंगे और ओके जी, यकम फरवरी नो थर्ड कंस्ट्रक्शन पेमेंट, सो पैसिफिक लोन में तो कुछ बचा ही नहीं। अच्छा अब ये डब्बा बनना है, इसमें तीन केक पड़ने हैं, पहला डब्बा और डब्बे में पहला केक ये आएगा 12,000 पे किया, फिर यकम फरवरी 2009 लोन प्रिंसिपल पेड, लोन का प्रिंसिपल पेड 5,000, ठीक है जी, और इसी दिन इंटरेस्ट ऑफ फर्स्ट सिक्स मंथ्स पेड, पेड क्या चीज जी, पेड क्या बोला मैंने, अभी तो देखना सारे तवज्जो से, सबकी तवज्जो चाहिए, यहां पर देखो सब 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 25,000 इंटू 12% इंटू 6/12, आपको कि वहां 5/12 किया, भाई बैंक को तो 6 महीने का इंटरेस्ट देना है ना, 25 के ऊपर यकम अगस्त से 31 जनवरी तक 6 महीने बनते हैं, इन 6 महीने का इंटरेस्ट बैंक को पे किया है, उसमें से 5 का एसेट की कॉस्ट में ऐड कर दिया और 1 का हम प्रॉफिट एंड लॉस में एक्सपेंस आउट कर देंगे, ठीक है। यहां पे ये याद रखना बात, यहां पे हमने पेड की फिगर लेनी है, ठीक है, ये ना हो वहां से उठाओ, इसीलिए मैंने वहां पे आंसर ही नहीं लिखा, इसीलिए वहां पे आंसर नहीं लिखा मैंने, कहा पहले ये वो लिख दूं, कहेंगे लो जी वो इंटरेस्ट इधर पे किया, भाई वो नहीं पे किया हमने, वो तो कैपिटलाइज किया सिर्फ 5 महीने का, इंटरेस्ट पे तो 6 महीने का किया है, सही है। ये सबसे मुश्किल पॉइंट था, समझ आ गया, 1500 डब्बे में डब्बा, डब्बे में तीन केक, मेरे सारे ये तो दोस्त बैठे क्लास में, ये बिल्कुल भी एक एक लाखों में एक नहीं है जी, नलायकों में लाखों नालायकों में एक जी, 18,000 लो जी। ये मैंने इकट्ठा क्यों कर दिया, देखो आप पागल नहीं है कि आप एक ही डेट पर जनरल लोन के अंदर लेके 12,000 इंटू इतने परसेंट इतनों इंटू इतने महीने फिर 5,000 पे, भाई एक ही डेट पे पेमेंट है, इकट्ठा लिखो एक ही उठा दो, ठीक है सही है ना, ये समझ आया। 12,000 पे भी यही रेट लग के और यकम फरवरी से फरवरी मार्च अप्रैल मई 4 महीने 4/12, फिर 5,000 पे भी ये रेट लगा के 4/12, फिर 1500 पे भी ये रेट लगा के 4/12, तो भाई एक ही बार टोटल 18,500 पे रेट लगाओ और 4/12 कर दो, इसलिए मैंने इसका डिब्बा लगाया, ओके। और फिफ्थ वन इज जो कि यूज नहीं होगा लेकिन चलो अभी तो कर लेना, यकम जून को 9,000 की पेमेंट आ गई, यकम जून 2009 फोर्थ कंस्ट्रक्शन पेमेंट 9,000, सारा अच्छा जी, हाँ पैराडॉल का सफर करेगा ना जब, अच्छा जी 9,000 अच्छा जी काम खत्म हो गया जी, रह क्या गया था, सिर्फ निकालने तो चले थे इन्वेस्टमेंट इनकम, लेकिन भाई देखो ये रिसीट पेमेंट्स है ना, हमें जनरल लोन की भी पेमेंट्स मिल जाती हैं और उनकी डेट्स भी मिल जाती हैं, इसलिए जनरल लोन भी हम इस रिसीट पेमेंट के बाद ही बनाया करते हैं, ठीक है ना। ये मुश्किल सवालों के अंदर तो ऐसे ही होता है, तो बस आसान काम तो फिर यही बना, ये भी आज मुश्किल करके देख लिया मैं, और मुश्किल क्या हो सकता है,
किसने दो पे कर देंगे, तो यहां पे एक लाइन और ऐड हो जाएगी, ठीक है ना, और सही है। अच्छा चलो भाई फिर शुरू हो जाओ फिर। 6875 तुम कब अवेलेबल थे? 1 सितंबर को जी। कब तक रहे? पूरा सितंबर, पूरा अक्टूबर, पूरा नवंबर और बस इतना सा काम था बस। बोलो भाई 6875 सरप्लस फंड्स को हम इन्वेस्ट कर सकते हैं 8% पर एनम पे। सवाल खत्म हो गया जी, बस अब जवाब निकालना रह गया। 8% और सितंबर अक्टूबर नवंबर 3/12 बस एक ही है ये 138, ठीक है जी। इसको माइनस कर दो और ये भी इकट्ठा आंसर दे दो। अब 25,000 × 12% और 20-50 ही भाई, चेक करते रहना, सब चेक करते हैं। 2-3 बच्चे कम से कम चेक किया करें आंसर को, ठीक है। 1912, ठीक है जी, ओके। अब इसको उधर उठा के ऊपर ले लो, बहुत नीचे चला गया जी। उसके बाद नंबर 3 पे इंटरेस्ट एक्सपेंस ऑन जनरल बोरिंग्स ऑन जनरल लोन, ठीक है। ये वाला कॉलम पकड़ेंगे, ये पेमेंट देखेंगे, इसके सामने पड़ी है डेट। जिंदगी आसान है इसकी भी, ठीक है। तो भाई ये पेमेंट हमने जो की, ये किस दिन की? फायदा होगा ना रिसीट पेमेंट इसके पड़े होने का, ठीक है, दिसंबर को की। अब रूल जनरल लोन का रूल ये नहीं था लेटर ऑफ से लेकर जो है वर्क कंप्लीटेड तक, बल्कि कहा था आपको डेट ऑफ पेमेंट से वर्क कंप्लीटेड तक। डेट ऑफ पेमेंट क्या है? 1 दिसंबर, पूरा दिसंबर, पूरा जनवरी, पूरा फरवरी, पूरा मार्च, पूरा अप्रैल, पूरा मई, बस 6 महीने। कितने? तो पहली पेमेंट 68125 जो है ये किस रेट पर? 13.9। कहां से निकला भाई? वर्किंग वन में निकाला था ना। ये कैमरा तो हिल भी ना, कैमरा यहीं पे लगा हुआ है ना भाई, तो बैठ जाओ ना फिर, आप क्यों खड़े हो जी। 13.9, ठीक है, 13.9 आ गया। और कितने महीने गिने अभी? ये पेमेंट हमने किया 1 दिसंबर को, डेट ऑफ पेमेंट से, डेट ऑफ पेमेंट से इधर आना पड़ा। वर्क कंप्लीशन 31 मई, ठीक है, तो डेट ऑफ पेमेंट से 31 मई। डेट ऑफ पेमेंट होगी 1 दिसंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल और मई, 6/12। आंसर एंड पे निकालेंगे, वेले थोड़े ही हर दफा निकालें। आगे बढ़ो, 3 पेमेंट्स को इकट्ठा कर दिया, इसलिए जिंदगी सुकून में आ गई ना, 3 बार की बजाय एक ही बार। ये तीनों पेमेंट सी किस दिन हुई है? किसी एक को ले जाओ यहाँ पे, ये सारी पेमेंट 1 फरवरी, ठीक है। तो 1 फरवरी को पेमेंट हुई, पूरा फरवरी, पूरा मार्च, पूरा अप्रैल, पूरा मई, कितने? तो कितनी है टोटल? 18,500 × 13.9% × 4/12। और ठहर जा यार, मैंने निकाला आंसर, हद होगी यार, तुम लिखो अपने पास, मैं क्यों निकालू, मैं तो एंड पे निकालूंगा एक बार। उसके बाद ये देखो, उसके बाद ये नजर आ, प्लीज सारे बच्चे ध्यान से देखें। 9,000 किस दिन पे किया? 1 जून को। 9,000 कितने परसेंट? डेट ऑफ पेमेंट से वर्क इससे पहले कंप्लीट हो गया 31 मई को, तो फिर इसका क्या करें? डेट ऑफ पेमेंट से 0/12, क्या कुछ नहीं करना? ये तो अगर हम इससे पहले भी रोक देते तो भी ये वक्त बच सकता था हमारा, लेकिन नहीं रोका, मैंने कहा था एंड पे कंक्लूड करेंगे। शुरू लेटर से किया और वर्क कंप्लीशन पर इसको भी रोक दो, क्योंकि उसके बाद की कोई भी रिसीट पेमेंट है उसमें यूज तो होना नहीं है। चलो फिर भी मैंने आज लिख दिया यहां पे 0/12 और ये लिख कर काट दिया। पेमेंट जो जनरल लोन से ये हुई भी है, ये वर्क कंप्लीट होने के बाद हुई है, तो इसलिए एसिडी कॉस्ट में ऐड नहीं कर सकते, बस ठीक है, एक्सपेंस और रूल इज रूल, ओके। तो सही है ना, ये बात समझ आई है?
ये आप और मैं आप ये कंक्लूड कर गए कि रिसीट पेमेंट को हम लेटर से बनाया करेंगे, तो पहले ही कंक्लूड कर चुके थे, ठीक है, और इसको रोक दिया करेंगे, और अगर तसल्ली ना भी हो और बना दो इससे अगली पेमेंट, लिख भी दो कंप्लीशन के बाद वाली, तो अल्टीमेटली जो रूल्स पे पक्का है ना वो इसको करेगा कुछ नहीं, फिर इस 9000 का हमने कुछ भी नहीं किया, ठीक है, क्लियर है सबको? Yes, पक्का? Yes, चलो जी अब आंस वार बताओ, ग्यारह बाई नहीं आया, ग्यारह बाई नहीं आया, 1122 नहीं आया, 3459 ठीक है जी, ओके 18 नंबर है इस सवाल के, लेकिन ज्यादा है मेरे हिसाब से, 10 एक नंबर का होना चाहिए था, ज्यादा नहीं, ज्यादा नहीं, टाइम इतना ही लगता, समझाते हुए टाइम ज्यादा लगता है बेटा, ये पहली बार आपने समझा लोन की रीपेमेंट और इंटरेस्ट और ये सारा कुछ, बस अच्छा चलो अब एक तो इसमें रिक्वायरमेंट में हम ऐड कर लेते हैं, ऑल्सो कैलकुलेट कॉस्ट ऑफ बिल्डिंग, ऑल्सो कैलकुलेट कॉस्ट ऑफ बिल्डिंग, तो मैं यहां पे कैलकुलेट कर देता हूं, हाँ चलो यहीं पे, तो कॉस्ट ऑफ बिल्डिंग इधर देखो वर्किंग थ्री में कर लेता हूं मैं, वर्किंग थ्री क्यों किया मैंने, वो फिर डेप्रिसिएशन भी निकाल लेंगे ना एसेट के ऊपर, ठीक है जी, ओके जी वर्किंग थ्री यहां कर रहा हूं मैं, कॉस्ट ऑफ ये ऑफिस बिल्डिंग जो है, कॉस्ट ऑफ ऑफिस बिल्डिंग, कॉस्ट ऑफ बिल्डिंग निकाल लेते हैं जी, क्या सिखाया था आपको इसमें क्या आएगा, कंस्ट्रक्शन कॉस्ट आएंगी, कंस्ट्रक्शन कॉस्ट, फिर मैप फी, या कितना इंतजार था इसका, ठीक है जी, अभी तो ये भी है कंसल्टेंसी फी, कंसल्टेंट की फी, ये आप इंशाल्लाह किसी अगले सवाल में डाल देंगे, ना भी हुई तो टेस्ट में डाल देंगे, ठीक है, एक लाइन ही ऐड करनी है ना, कंसल्टेंट भी, और नंबर 6-4 इज बोरिंग कॉस्ट कैपिटलाइज्ड, ठीक है जी, कंस्ट्रक्शन कॉस्ट 10, 15, 12 और 9 कॉस्ट लेनी है, पेमेंट्स नहीं लेनी, पहले पेमेंट भी हो गई है खैर, तो 10,000 जमा 12,000 जमा 15, ये 15 है, 15 ठीक है, 15 लिखने की कोशिश की, 15,000 जमा 9,000 कितना हो गया, 46,000, आज तो परमिट फी भी है 8,000 परमिट फी आ गई, 8,000 एसेटी कॉस्ट में ऐड हो गई और डेप्रिशिएट हो गई, समझ आ गया ना, ओके, कंसल्टेंट भी कोई नहीं है, बोरिंग कॉस्ट कैपिटलाइज की 3,4,5,5,9 नहीं है, तो ये तो पहले लिखने दो अल्लाह के बंदो, मैं परेशान हूं, मैं गलत लिख दिया मैंने, 4,5,5,7 ठीक है जी, और इसको डेप्रिशिएट भी कर लेते हैं, ठीक है, मैं सवाल के अंदर ऐड करता हूं पॉइंट नंबर 3, पॉइंट 3 है यूजफुल लाइफ ऑफ बिल्डिंग इज 10 इयर्स, बस इतना सा ही लिखना काफी है कि हम डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करें, अब इतना सा लिख देना काफी है, ओके, तो डेप्रिसिएशन यहीं पे निकाल दूं, लेस कर दो इसमें से डेप्रिसिएशन 5,7,4,5,9 सबकी तरफ इधर डिवाइडेड बाय 10 इयर्स, ये आ जाएगी एक साल की डेप्रिसिएशन, ये कंप्लीट हुई है 31 मई को, तो हमारे साल में तो सिर्फ एक महीना चली, तो इनटू 1/12 जी 479 और बुक वैल्यू इसकी जो भी होगी वो लिख देना, ठीक है, लिख लेना आप, बस टेस्ट तो फिर रह गया डिस्कस होने से, चलो कल कर लेंगे इंशाल्लाह, ठीक है, ठीक है जी आज के लिए इतना, 2009 की, मैं सारा कुछ 2009 की कर रहा था, ठीक है जी, ठीक है जी, अल्लाह हाफिज़।